निकालिए यमुना अध्याय पाँच अपना यमुना अध्याय पाँच और उसका एक से लेकर नौ तक आइए से एक के नौ पर्यंत यमुना यमुना अध्याय पाँच अध्याय पाँच एक से नौ कैसे एक से नौ जॉन चैप्टर फाइव यमुना अध्याय पाँच वन टू नाइन कैसे एक से नौ। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ। यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ बकरियों के पास एक कुंड है और भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैसदा कहलाता है। उसके पांच ओसले हैं। इनमें बहुत से बीमार अंधे लंगड़े सूखे अंग वाले पानी मिलने की आशा में पड़े रहते हैं क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी गिरते ही जो कोई पहला उतरता था वो चंगा हो जाता था चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर उसे यह जानकर कि वो बहुत दिनों की इसी दशा में है उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे परंतु मेरे पहुँचते ही दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठा चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। त्यानंतर योगांचा सण होता तेव्हा येशू वर येरुशलेमेस गेला। येरुशलेमेत मंदिरे वेंट्री ताराजवळ एक तळे आहे त्याला हिब्री भाषेत बेथसदा म्हणतात। त्याच्याजवळ पाच पडवे आहेत त्यांमध्ये रोगी आंधळे लंगडे लुने यांचा मोठा समुदाय पडलेला असे। ते पाणी हल्ल्याची वाट पाहत असत कारण की देवदत वेळोवेळी तळ्यात उतरून पाणी हलवत असे आणि पाणी हलवल्यानंतर वचन की सेवा को आपके हाथों में लेते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर क्या ही पवित्र क्या ही शुद्ध है इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए सहायता करना। वचन हम ध्यान से प्रभु सुनकर समझने के लिए तो मदद करना और आज इन्हें सारी बीमारियों से मुक्त रहने के लिए अपना शरीर हमेशा निरोगी रखने के लिए तो कृपा प्रदान करना। तेरी इच्छा है ना कि हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहे तो फिर वैसे ही रहने के लिए तो सहायता करना इसलिए इन्हें समझने के लिए तो कृपा प्रदान करना यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह एक पर्व के समय पर यरूशलेम में गया। आज अपन पाते हैं कि यीशु मसीह का सनाचर वेला तो यरूशलेम में गया इसलिए हम जान सकते हैं कि यहूदियों के जो पर्व है उन पर्वों को यीशु मसीह मनाते थे। आज अपन अपन ऐसे ओल्ड न्यू शब्दों की यूं तो लगा जैसे सन होते यीशु तेरा मनमत होता वैसे हम भी इसे आनंद देना चाहिए। आज यहाँ से नहीं आपको सुधा है आनंद दिला दूसरी बात हम देखते हैं कि बैसदा बोलकर एक जो कुंड है आज दूसरी गोष्ट अपन पातो की बैसदा एक जो कुंड है वहाँ पानी था आज यहाँ पानी था आज यहाँ कुंडा में पानी एक समय होता था स्वर्गदूत आके उस पानी को हिला दिया था आज एक समय भरे थे आज स्वर्गदूत देव टाइम पर से जो पानी आके तेरा हलवाई इनको टाइम किसी को नहीं मालूम था आज तो जब मेरे आए तो कोना ना समय ही लेकिन जितने बीमार थे अरे जो भी लोग आसानी हो सके आके उस कुंड के अंदर के पानी की और लगी दे दी आज तेरा सर्व जो जो रोवे होते थे कोना बोलते थे पानी आके तेरा वो लागे रह जाए और जब वो पानी हिलता था सब दौड़ते थे आज जब वो पानी हले थे सर्व लोग कोशिश करते थे कि मैं पहला उतरूं मैं पहला उतरूं आज प्रयत्न करे थे कि मैं सर्व पहले उतरा यहाँ लिखा है जो भी कोई भी प्रकार का बीमार क्यों ना हो वो चंगा हो जाता था। आज तो निर्णय कर लिया है कि कौन सा ही तरह का आजाद ऐसा है तो तेरे उतरने में तेरा आरोग्य ठीक हो जाता था आज तेरा आरोग्य बेटा उसे चंगाई मिल जाती थी आज तेरा आरोग्य बेटा तो यीशु ऐसे जगह में आया और यीशु ऐसे ठिकाने आया और हमने संडे को ही देखा था बैतसैदा का अर्थ क्या है आज हम लोग रविवार इस पाई लगे बैतसैदा ऐसा अर्थ काया है बैत का अर्थ क्या है घर और सदा का अर्थ क्या है बैत सदा मछली का घर क्या है मछली का घर आगे माशा सर घर तो इसलिए प्रियो हम यहाँ देखते हैं कि ऐसे बैत सदा के यहाँ पर यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को देखा जो 38 साल से बीमार था और यहाँ पर पास होगी बैत सदा इतने यीशु आया आने का एक अच्छा व्यक्ति ने परिचय पाई जो 38 वर्ष का उसे आजारी हो जलंधर रोग था आई तरह जलंधर रोग
सड़ा हुआ था इसलिए घर में कोई रखता नहीं सड़ीला होता हम अगर ऐसी छोटी मोटी बीमारी होती ना ऐसे लहान से आजार घर में रहता आई तो घर घरों ने इसे 38 साल से बाहर निकाल के रखा आज मुझे घर से जो लोग आए थे 38 वर्ष तो उसने घर से बाहर निकले क्योंकि जैसे हमारा आयु जब पूरियों से भरा हुआ था तो उसे क्या निकलता था पी निकलता था वो उसे खुजली करता था तो वो कहाँ था घर के अंदर नहीं घर के बाहर बैठता था आयु में बैठता था आणि जसं योग आलं सुद्धा जेव्हा पोळे आलेले तो काय करायचं घराच्या बाहेर बसून तो खापर घ्यायचा आणि त्याचे पोळे आहे तो खासवत बसायचा परमेश्वर मी बताता बिमारी भी इंसान को मनुष्य में से बाहर निकाल दी आणि त्या स्त्रीने क्रिया आपला देव सुद्धा आपल्याला सांगतो जे आजार पण आले ते मनुष्याला काय करतं मनुष्याच्या आतमधून बाहेर काढतो परमेश्वरने बिमारी को उत्पन्न नाही किया आणि देवाने असे आजार पण आहे त्याला उत्पन्न नाही परमेश्वरने सब कुछ बनाए अच्छा बनाया आणि देवाने जे काही बनवलेलं आहे ते सर्व काही चांगलं आहे आई मी बता की पहिले दिन दुसरे दिन तिसरे दिन चौथे दिन पाचवे दिन जो कुछ परमेश्वर ने बनाया स्टेप बाय स्टेप जो आज हम देखते हैं पृथ्वी पर वो सब देखने के बाद बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा अच्छा है आई देवा ने पहले दिशा पास जे का या पृथ्वी बनवलेला है पहली पहली नुसार देवा ने बनवल्यानंतर आपण पाहतो की देव म्हणाले सर्व काही चांगले आहे छठे दिन जब परमेश्वर ने आगमन हुआ की यानी इंसान की निर्मिति करने के बाद परमेश्वर ने उसे देख कर कहा बहुत अच्छा है आणि जेव्हा देवाने सहाव्या दिवशी आदम आणि हव्वेची मशी जेव्हा मनुष्याची निर्मिती केली देवाने ते पाहून सांगितलं की हे खूप चांगलं आहे इसका मतलब है मनुष्य सब अच्छा है सृष्टि सब अच्छी है आणि याचा अर्थ आहे की मनुष्य हा सुद्धा चांगला आहे आणि जी सृष्टी आहे ती सुद्धा चांगली आहे बुराई सुरुवात कहां से हुई आणि म्हणून जी वाईटपणाची जी सुरुवात कहां से सुरुवात हुआ आणि पापाची जी सुरुवात आहे ती कुठून बीमारी कहां से सुरुवात हुई आणि आजारपणाची जी सुरुवात आहे ती कुठून झाली जब आदम और हव्वा ने पाप किया आणि जेव्हा आदम आणि हव्वा ने पाप केलं तर उन्हें श्राप मिला परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था तू वो फल कभी न खाना आणि देवाने त्यांना आज्ञा दिलेली की तुम्ही या झाडाचं फळ कधी खाऊ नको और उन्होंने वो फल खा लिया उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया आणि त्यांनी काय केलं त्या झाडाचं फळ खाल्लं आणि त्यांनी आज्ञेचं उल्लंघन केलं आज्ञा उल्लंघनने क्या किया आणि आज्ञा उल्लंघनने काय केलं मृत्यू लाया आणि त्यांना मृत्यू आणला ऋषी बताते आणि मी पुन्हा आज्ञा उल्लंघनने आणि आज्ञा उल्लंघनाने उन्हें मृत्यू लाया आणि त्यांना मृत्यू आणला मृत्यू लाने के लिए बीमारी का इस पृथ्वी पर क्या हुआ जन्म हुआ आणि मृत्यूला आणण्यासाठी या पृथ्वीवरती आजारपणाचा काय झाला जन्म झाला आहो पडेंगे आणि आपण वाचूया पडेंगे उत्पत्ती अध्याय आपण वाचणार उत्पत्ती अध्याय तिसरा अध्याय अध्याय 3 और उसका 15-17 आणि त्याचा 15-17 जेनेसिस चॅप्टर 3 उत्पत्ती अध्याय 3 स्वामित्व चालेल आत्माला तो म्हणाला तू आपल्या स्त्रीचे ऐकलेस आणि ज्या झाडाचे फळ खाऊ नकोस म्हणून मी तुला आज्ञा केली होती जिस वृक्ष का फल तू नहीं खाना ये मैंने तुझे आज्ञा दी थी पर तुझे उसे न खाना लेकिन तू उसे खाया त्याचे फळ तू खाल्लेस पण तुझ्या भूमीला श्राप आलेला आहे इसलिए तेरी भूमि श्रापित हो गई है इसलिए उस दिन से भूमि को क्या मिला श्राप मिला अब तो आयुष्यभर कष्ट करून तिचा उपज खाशील हाँ तू जिंदगीभर कष्ट करेगा और तू उसकी उपज को जिंदगीभर दुख के साथ खाएगा ते तुला कांटे व कोसळे दे हाँ वो तुझे कांटे उठकर डाले उगाएगी यानी तुझे भूमि में तू जो कुछ काम करेगा तुझे पूरा 100% पैसा नहीं मिलेगा तू शेतात में पीक खाशील तू इस जमीन बनाया हुआ जमीन जो तुझे उपज देगा वो तू खाएगा तो अपने निर्णय कामा ने खाकर मिळून खाशील हाँ तो अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा व अंतिम पूर्ण माथे का जाऊ मिळेल अंत में यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा तो मिट्टी में मिल जाने के लिए मृत्यु ये श्राप आया आणि माती पुन्हा घेण्यासाठी पृथ्वी हा श्राप आलेला आहे पृथ्वी जो भूमि है वो श्रापित हो गई आणि पृथ्वी जी भूमि आहे ती श्रापित झाली वो अच्छा फल देती थी आणि जे चांगलं फल द्यायची अब ये भूमि क्या करने लगे कोणते काटे उठा कोण कटारे उगाने लगे आणि आता ही जी भूमि आहे ती काटे आणि कोसळे द्यायला लागले और इसी भूमि पर क्या हो गया बीमारी का जन्म हो गया आणि या भूमीवरती काय झालं जे आजार पण आहे त्याचा जन्म झाला दुष्टात्मा आकाश में रहते थे आणि जे दुरात्मे आकाशामध्ये बीमारी की आत्मा जो आकाश में रहती थी आणि जे आजारपणाची आत्मा आकाशामध्ये जो नीचे नहीं मंडलाती थी आणि जी खाली वावरत नव्हती वो नीचे भी मंडलाने लगे आणि आता ती खाली सुद्धा वावरायला लागली इसलिए मनुष्य को मृत्यु
मृत्यु लाने के लिए बीमारी का जन्म हुआ। आई बोलो मनुष्य का मृत्यु आना सारी आधार बना सा जन्म था। इसलिए जब जब आप कोई गलत काम करते हो, आई बोलो जब जब तुमने कौन सा तरीके से काम करता है, तब ये बीमारी की आत्मा आपके अंदर क्या हो जाती है, आपके अंदर जन्म ले लेती है, जागृत हो जाती है। आई देवा ये जो आधार बना से आत्मा है कि तुम चाहत को ये जागृत होने तुम चाहत को ये जन्म ले। मृत्यु है कहां? आई बोलो मृत्यु कुठे आहे? ये मृत्यु आपके प्राण में है। आई हा जो मृत्यु आहे तुमच्या प्राणामध्ये आहे, आपके खून में है, आई तुमच्या रक्तामध्ये आहे। बाइबल हमें बताती है रोमियो की पत्री अध्याय 5 आणि बाइबल आपल्याला रोमकांस पत्र अध्याय 5 मध्ये उसके 12 वचन आणि त्याचे 12 वचन रोमन्स 5:12 रोमकांस पत्र अध्याय 5 त्याचे 12 हालेलुया 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 बोले हालेलुया 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 रोमियो की पत्री 5:12 रोमकांस पत्र अध्याय 5 त्याचे 12 एक मानसाचर बारे एक इंसान ने आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, पाप जगा शिरले और पाप संसार में प्रवेश किया, तो संसार में आया आणि पापाचे द्वारे मरण शिरले और मृत्यु आई आणि सर्वांनी पाप केल्यामुळे अब सबने और इसीलिए सबने पाप किया, सर्व माणसांमध्ये अशा प्रकारे मरण पसरले, इसीलिए सब इंसान के अंदर मनुष्य के अंदर मृत्यु आ चुका है। तो अभी हमारे मृत्यु कहाँ पर है? हमारे प्राण में। आणि आता मृत्यु कुठे आहे? आपल्या प्राणामध्ये आहे। जैसे प्रिय प्राण में जीवन होता है आणि जसं प्रिय प्राणामध्ये जीवन असते वैसे ही मृत्यु भी है आणि तसंच मृत्यु जैसे बाइबल कहता है तुम्हारे जबान में मृत्यु और जीवन है। आई बोल बाइबल हमें साथ की तुझे जीवन मध्य मृत्यु आई जीवन है। अगर हमारे जबान में मृत्यु और जीवन रह सकता है आई सर अपने जीवन मध्य मृत्यु आई जीवन रहू सकता श्राप और आशीष रह सकता आई श्राप आई आशीर्वाद रहू सकता हमारे खून में मृत्यु और जीवन क्यों नहीं रह सकता आई मग अपने लता मध्य मृत्यु आई जीवन का रहू सकत नहीं तो इसलिए हमारे खून के अंदर क्या है जीवन है और मृत्यु है आई म्हणून आपल्या जाताच्या आतमध्ये काय आहे जीवन आहे आणि मृत्यु आहे इसीलिए जब जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हो आई म्हणून जेव्हा जेव्हा तुम्ही आज्ञा उल्लंघन करता समय क्या हो जाता है पाप जागृत हो जाता है आणि त्या वेळेला काय होतं पाप जागृत होतं पाप जैसे जिंदा हो गया आणि जसं पाप जागृत होतं फिर मृत्यु आना यानी बीमारी आना आणि मृत्यू येणं म्हणजे आजार पण येणं इसीलिए शिक्षा जो मिली है इंसान को जो ताडना मिली है इंसान को वो क्या है बीमारी है आणि म्हणून मनुष्याला जी शिक्षा आणि जी ताडना भेटलेली आहे ती आहे आजारपण इसीलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे शरीर में ही मृत्यु है आणि म्हणून प्रियो देवाच्या वचनानुसार आपल्या शरीरामध्ये मृत्यु आहे हमारे शरीर में प्राण और आत्मा है आणि आपल्या शरीरामध्ये प्राण आणि आत्मा आहे जब जब आप कोई गलती करते हो पाप करते हो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो क्या हो जाता है बीमारी पाप जागृत हो जाता है पाप किया पाप करने के कारण किसने जन्म लिया आपके शरीर में जो प्रभु ने आपको धोकर शुद्ध किया था इसलिए जन्म ले लिया बीमारी आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा तुम्ही देवाच्या आज्ञेचं उल्लंघन करता पाप तुमच्या शरीरामध्ये काय होतं जागृत होतं आणि पापाच्या द्वारे काय होतं मृत्यू जागृत होतं आणि मृत्यू येण्यासाठी आजार पण जागृत होतो और एक वचन पुढे आणि आपण आणखी एक वचन वाचूया अध्याय 15 एक्सोडस निर्गमन अध्याय 15 और उसका 25 से आणि त्याचा 25 पासून 25-26 25 आणि 26 त्याने परमेश्वराचा धावा केला त्याने त्याला एक झाड दाखवले ते त्याने पाण्यात टाकले पाणी गोड झाले तेथे परमेश्वराने त्याच्यासाठी विधी व नियम लावून दिला आप देखो यहां पर स्पष्ट रीतीने प्रभु का वचन कहता है अब परमेश्वर ने एक विधि और एक नियम बना दिया अभी इस पृथ्वी पर जितने इंसान है उन सारे इंसानों के ऊपर एक विधि विधि यानी जैसा करना चाहिए वैसा और नियम या जो करोगे वैसा ही होगा आई परमेश्वर का नियम है जिसे कोई भी तोड़ेगा वैसे ही होगा आणि हा पृथ्वीवरती विधी म्हणजे जसं केलं पाहिजे तसं आणि नियम म्हणजे देवाच्या वचनानुसार आणि जो कोणी त्याला करून त्याच्या रीतीनेच होईल त्यांना कसोटीस लावले आणि म्हटले तो आपला देव परमेश्वर याचे वचन मनापासून ऐकशील हा वचन मन से सुनना आणि त्याच्या दृष्टी अगर तन मन से आप वचन नाही सुनते हो आणि जर तुम्ही तनाने आणि मनाने जर वचन ऐकत नाही आप ध्यान से वचन नाही सुनते आणि जर तुम्ही लक्षपूर्वक वचन ऐकत नाही आपके अंदर बीमारी जागृत हो जाती है आणि तुमच्या आतमध्ये जे आजार पण आहे ते जागृत होतं आप पूरा ये वचन पढ़ लो फिर मैं बताती आणि त्याच्या दृष्टीने जे नीट ते करशील त्याच्या
आज्ञांकडे कान देशील आणि त्याचे सर्व विधी पाळशील तर मिस्री लोकांवर जे लोक मी पाठवले त्यापैकी एकही तुझ्यावर पाठवणार नाही कारण मी तुला लोक मुक्त करणारा परमेश्वर आहे. प्रिय सबसे पहले परमेश्वर ने नियम रखा कि आपको आज्ञा दिया है कि आजकल मन से उसका वचन सुनना है. आणि देवाने सर्वात पहिले एक नियम ठेवलेला आहे तुम्हाला आज्ञा दिलेली आहे की तुम्हाला तनाने आणि मनाने त्याचं वचन ऐकायचं शरीर से और मन से यानी आपके मन से आपने वचन सुनना है. आणि शरीराने आणि तुमच्या मनाने तुम्हाला काय करायचं आहे वचन ऐकायचं आहे. जेव्हा वचन नाही सुनते हो आणि जेव्हा तुम्ही वचन ऐकत राहता तेव्हा बीमारी को अपने शरीर में जागृत करते हो. आणि तेव्हा तुम्ही काय करता आजारपणाला तुमच्या शरीरामध्ये जागृत करता. सोना ये खतरनाक लाइन है. आणि म्हणून इथे झोपणे एक खतरनाक आहे. इसलिए याद रखो सोने वालों कभी मत सोना बाहर जाना. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बाहर जाओ मुंह धो आग लो और इधर फिर आके बैठो. इसलिए पानी बीच बीच में पीने का डांटने का नींद देने वाली आत्मा को डांटने का नहीं तो आप बीमारी को वेलकम करते हो अपने अंदर. आणि नाही तर तुम्ही आजारपणाला स्वतःच्या आत्मने त्याचं स्वागत करता. और अगर आपको नींद आती है तो घर में जाने का अच्छा सोने का तभी वचन सुनने को आने. आणि जर तुम्हाला झोप येते मग तुम्हाला घरी जायचं आहे चांगलं झोपायचं आहे आणि मग तुम्हाला इथे वचन ऐकण्यासाठी यायचं आहे. याद रखो आणि लक्षात ठेवा. इसलिए वचन सुनने आणि नाही सुनेंगे बीमारी को आप खुद वेलकम करते हो. आणि जर तुम्ही वचन ऐकत नाही तुम्ही काय करता आजारपणाचं स्वतः स्वागत करता. दुसरा यहाँ लिखा है उसकी दृष्टि में जो ठीक है वो करे. यानी अगर आप उसके दृष्टि में जो सही है परमेश्वर की नजर में जो सही है वही करना है. आपकी नजर में जो सही है वो अगर आप करोगे तो आप बीमारी को जरूर वेलकम करते हो. आप अपने अंदर ही खुद के अंदर आपको किसी को जरूरत नहीं है बीमारी खरीदी करने की ऑटोमेटिकली वो उत्पन्न हो जाएगी. आई तुम्हारा आजार पर खरीदी करने की कहीं गरज नहीं है ऑटोमेटिकली तुम्हारे आत्म में जागरूक. आप जो अपनी मर्जी से चलते हो आज जब तुम्हें स्वयं से मर्जी से क्या क्या बोला है वैसा आप नहीं करते हो तब बीमारी आपके पास आती है. आई देवान तुम्हारा जी का सांगितलेला है त्याच्या अनुसार जेव्हा तुम्ही करत नाही तेव्हा आजार पर तुमच्या आरोग्य आहे. पर आपको ऐसा लगता है मैं वहां गया इसको छुआ उसको छूने से भी होती है ये मैं मान्य करती हूँ. क्योंकि आगे हम देखेंगे कभी कभी जब आप अशुद्ध वस्तुओं को छूते हो तभी आप बीमारी को वेलकम करते हो बीमारी आपको लगती है. आणि जेव्हा तुम्ही अशुद्ध वस्तूंना स्पर्श करता तेव्हा तुम्ही काय करता आजारपणाला स्वागत करता आजारपण तुम्हाला लागतं. बाइबल में बताया है जब ऐसे अशुद्ध वस्तु जैसे बाइबल के अनुसार अशुद्ध वस्तु कौन सी अब यहाँ पर कुछ थोड़ा विवचन आया है तो मैं आपको बता दूँ. सेकंड कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6:17 जो मूर्ति पूजा करते हैं जो अविश्वास अविश्वासी है जो व्यभिचार करते हैं जो मूर्तियों से रिश्ता रखते हैं ऐसे लोगों से तुम क्या करो अलग रहो. ऐसे प्रभु मतलब ऐसा प्रभु कहता है. कौन कहता है प्रभु बोलता है. कौन कहता है प्रभु कहता है प्रभु म्हणतो. आणि जे अशुद्ध त्याला शिवू नका. अशुद्ध उसे स्पर्श म्हणतो. अभि अशुद्ध क्या है आणि अशुद्ध काय आहे. मूर्ती पूजा अशुद्ध आहे. मूर्ती पूजा अशुद्ध आहे. मूर्ती को चढाय जाने वाली वस्तु ही अशुद्ध आहे. आणि मूर्तीला चढवण्याच्या वस्तू आहे त्या अशुद्ध आहे. दारू अशुद्ध आहे. आणि दारू अशुद्ध आहे. तंबाखू अशुद्ध आहे. आणि तंबाखू अशुद्ध आहे. गुटखा अशुद्ध आहे. आणि गुटखा अशुद्ध आहे. बीडी सिगरेट अशुद्ध आहे. आणि बीडी आणि सिगरेट हे अशुद्ध आहे. हे अशुद्ध वस्तू आहे. आणि ह्या सर्व अशुद्ध गोष्टी आहेत. जो मरे हुए लोगों के फोटो अशुद्ध आहे. आणि मेलेल्या व्यक्तींचे जे फोटो आहेत ते अशुद्ध आहे. प्रसाद को छूना अशुद्ध है. आणि प्रसादाला स्पर्श करणे अशुद्ध आहे. मरे हुए लोगों का खाना अशुद्ध है. आणि मेलेल्या व्यक्तींचं जेवण जेवण हे अशुद्ध आहे. सब बताया व्यसन का सब एक एक बात बोलिए बोलिए बताया. इसे छूना तक अशुद्ध है. आणि याला स्पर्श करता सुद्धा अशुद्ध आहे. बाइबल में बताते इन वस्तुओं को मत छुओ. आणि बाइबल आपल्याला सांगतो की या ज्या वस्तूंना तुम्ही स्पर्श करू नका तुम्ही तुम्ही स्वीकार करू. आणि तेव्हा मी तुमचा स्वीकार मेरी बेटी बेटिया होगी. आणि तुम्ही माझे पुत्र व कन्या व्हा. लिखा है 7:1 पढ़ो 7:1. अतः हे प्रियो जब ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें. यानी हमें सिर्फ शरीर को नहीं शुद्ध करना है हमारे आत्मा को क्योंकि हमारा आत्मा भी बीमार हो जाता है. हमारे आत्मा भी पाप हो जाता है. हमारा आत्मा भी क्या हो जाता है उसमें भागीदार हो जाता है. अरे आपका जो आत्मा है तो अशुद्ध हो जाता तो सुधा पापी हो जाता त्याच्यामध्ये भागी होतो पण त्याला सुद्धा शुद्ध करायचा. इसीलिए प्रियो होता है तो
आत्मा में भी निर्बल है, आत्मा में भी कमजोर है, आत्मा बढ़ नहीं रहा है, अपनी मन मर्जी से जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आत्मा को बीमारी है। आई खूब लोग आत्मे तो निर्बल है, त्याचा जो आत्मा है त्याचा आजार पण आहे आणि त्याचा आत्मा वाढत नाही, कारण की लोक आत्म्यामध्ये निर्बल आहे। ये उसका कारण ये की लोक वचन नाही सुनते। आणि त्याचं कारण हे आहे की ते लोक वचन ऐकत नाही, सुनते त्याचे पालन नाही करत। आणि जे काही ते लोक वचन ऐकतात त्यानुसार ते लोक पालन करत नाही, इसीलिए आत्मा को बीमारी है आणि म्हणून त्याच्या आत्म्याला आजार पण आहे। काही लोक हमारे मसीह लोग बहुत लोग सिर्फ शरीर से बीमार नहीं है, आत्मा से भी बीमारी है। आणि खूप जे ख्रिस्ती लोक आहे ते फक्त शरीराच्या द्वारे ते लोक आजार नाही परंतु आत्म्याच्या द्वारे वचन सुनने के बावजूद भी बहुत से लोग वचन का पालन नहीं करते, अपनी मनमर्जी से चलते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मा बीमार है। वचन ऐकून सुद्धा ते लोक वचनाचं आज्ञा पालन करत नाही, वचनानुसार का चालत नाही, कारण त्यांचा जो आत्मा आहे तो आजारी आहे। बहुत से लोग मसीह में होने के बाद प्रभु भोजन खा के भी दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा को बीमारी है। आई खूब लोग क्रिस्ता मध्य असते लोग प्रभु भोजन खाता तरी सुधा दारू पीता ते लोग व्यसन करता का, कारण त्यांचा जो आत्मा आहे तो आजारी आहे, आत्मा बीमार है। आई त्यांचा जो आत्मा आहे तो आजारी आहे। सातवें अध्याय में पढ़ रहे, सातवें का एक पढ़ा ना, उसमें स्पष्ट रीति से बताया है शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करना है। आणि आपण 7:1 मध्ये वाचलं की शरीर आणि जो आत्मा आहे ते दोघांना सुद्धा शुद्ध करायचं आहे। आणि खाते व बुखार के लिए आणि तुम्ही जे काही औषध खाता तापासाठी या खासी के लिए आणि किंवा डोक्यासाठी, तुमचे शरीर शुद्ध होत आहे आणि त्याच्याद्वारे फक्त शरीर चंगा होत आहे आणि शरीराला आरोग्य, आत्मा चंगा नाही होत आहे आणि आत्म्याला आरोग्य। ऑलरेडी आपने पाप करके गलत काम करके आपने आपके आत्मा को दुर्बल कर दिया है, निर्बल कर दिया है, बीमार कर दिया है। वो अंदर बीमार है, वो कमजोर है, वो साथ नहीं दे रहा है आपको। जैसे बीमार व्यक्ति खड़ा होता है क्या, आईशा चलता है क्या, उभर रहा तो का साथ होता, साथ नहीं देता है, ऐसा साथ देता है। उसी रीति से आज्ञा उल्लंघन, परमेश्वर का वचन न सुनना, परमेश्वर का तन मन से वचन न सुनना, गलत वस्तुओं को हाथ लगाना, इसके कारण आपका आत्मा बीमार है और आपकी आत्मा के लिए आप चंगाई मांगते ही नहीं हो। आई त्याच रीतीने तुम्ही आज्ञा उल्लंघन करता त्याला आणि मनाने देवाचं वचन ऐकत नाही, वचनानुसार चालत नाही, म्हणून तुमचा आत्मा आजारी आहे आणि तुम्ही आत्म्यासाठी काहीच मागत नाही। आम्ही मालूमही नाही की आम्हाला आत्मा भी बीमार आहे आणि आपल्याला माहितच नाही की आपला जो आत्मा आहे तो सुद्धा आजारी आहे। जब जब पाप करते हमारे आत्मा को छूत आहे आणि जेव्हा जेव्हा आपण पाप करतो तो आपल्या आत्म्याला सुद्धा स्पर्श करतो। शरीर हमारा दुर्बल आहे तो आत्मा भी दुर्बल आहे आणि जर आपलं शरीर दुर्बल आहे तर आपला आत्मा सुद्धा दुर्बल आहे। याद ठेव आणि लक्षात ठेव, जर आपलं शरीर दुर्बल आहे आणि जेव्हा तुमचं शरीर दुर्बल आहे आत्मा में भी दुर्बल आहे, तुम्ही आत्म्यामध्ये सुद्धा दुर्बल आहे। जो व्यक्ती वचन सुनकर भी पालन नाही करता वो शरीर से भी दुर्बल आहे और आत्मा में भी दुर्बल आहे। आणि जो वचन ऐकून सुद्धा तो पालन करत नाही तो व्यक्ती शरीरामध्ये दुर्बल आहे आणि आत्म्यामध्ये सुद्धा दुर्बल आहे। यहाँ स्पष्ट रीतीने लिखा आहे तन मन से नहीं सुनेगा, ऐकून स्पष्ट रीतीने देण्यात आलेला आहे तो तनाने आणि मनाने ऐकणार नाही। जो प्रभु के लिए सही है वो नहीं पालन करेगा आणि जे काही देवासाठी योग्य आहे त्या रीतीने तो पालन करणार नाही और आज्ञाओं पर कान नहीं लगाएगा। ऐकून आज्ञांवरती काम लावणार नाही। जब आपको कोई आज्ञा दिया जाता है आणि जेव्हा तुम्हाला कोणती आज्ञा देणे प्रभु यीशु आज्ञा देता है आणि प्रभु यीशु तुम्हाला आज्ञा देता है, दास आपको आज्ञा देता है आणि देवाचा दास तुम्हाला आज्ञा देता है, कान नहीं लगाते हो आणि तुम्ही काम लावणार नाही, आपली मर्जी से चलते हो आणि तुम्ही स्वतःच्या मर्जीने चालता। जब आपको हर संडे को बोला जाता है आप हर संडे को चर्च में आना है आणि तुम्हाला प्रत्येक रविवारी सांगितलं तर तुम्हाला प्रत्येक रविवारी चर्च मध्ये यायचं आहे। आपले मेहमान आले लोग, कितना बड़ा एमएलए आले लोग, कितना बड़ा यहाँ तक की मोदी आले लोग, तो भी हमें किसके किसके पास आना है, येशु के पास आना है। आई तुमच्या घरामध्ये पाहुणे येऊन गेले तेव्हा किती मोठा अधिकारी आला तरी सुद्धा तुम्हाला काय करायचं आहे, येशु प्रथम स्थान देते हो प्रभु को या उस आए हुए मेहमान को। आई तुम्ही कोणाला प्रथम स्थान देता, देवाला की जो जो येणारा जो पाहुणा आहे त्याला, तो उसका मतलब है आप क्या करते हो, प्रभु को अनादर करते हो, इसलिए आपके अंदर खून में आप क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बीमारी चालू हो जाती है और आपका आत्मा में भी बीमारी लग जाती है। आणि याचा अर्थ आहे तुम्ही देवाचा अनादर करता आणि तुमच्या रक्तामध्ये आजारपण चालू होतं आणि तुमच्या आत्म्याला सुद्धा ते आजारपण लागतं। हालेलुया हालेलुया। येशूने कहा बर्तन को अंदर से साफ कर आणि येशू म्हणाले जे भांडे आहे त्याला तू काय कर, अंदर से साफ बाहर से साफ। आणि जर ते भांडे आतमधून साफ आहे बाहेर सुद्धा साफ आहे, दवा खाके बाहेर से ठीक होते, अंदर गंदगी आहे, आपला आत्मा तो बीमारी है। आणि तुम्ही औषध खाता आणि तुम्ही बाहेर शुद्ध होता परंतु तुमचा आत्मा अशुद्धच आहे, बीमारी एक श्राप है आणि जे आजारपण आहे ते एक श्राप। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को
मानव जाति को श्राप दिया है, बीमारी एक श्राप है। आई देवानी या पृथ्वी ला मनुष्य जाति ला देवानी श्राप दे लिया है, आदरण एक श्राप है। इसलिए जब जब आप बीमार मिलते हो शरीर में, तब समझ जाने का आप श्रापित हो। आई मनु जेव जेव तुम्हें शरीर में आजारी पड़ता सब सुन सहित से तुम्हें श्रापित है। आपने कहीं न कहीं तन मन से प्रभु का वचन नहीं सुना। आई तुम्हें कुंडे ना कुंडे देवा से जो वचन है ते तरह ने आगे मना ने आई के आपने परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो नहीं किया। आई तुम्हें देवा से नजर में देखी का योग्य है कि तुम्हें के लिए आपको ऐसा लगेगा मैंने जो प्रभु को सही है वही किया, ऐसा आपको लगेगा। नहीं, जब वचन कहता है कहीं न कहीं परमेश्वर के दृष्टि में सही है वो आपने नहीं किया, अपनी दृष्टि में जो अच्छा है वही किया है। आई तुम्हें कुंडे ना कुंडे देवा से नजर में देखी का योग्य है कि तुम्हें के लिए नहीं परंतु तुमच्या नजर में देखी योग्य है आपने आज्ञाओं पर कान नहीं लगाए। आई तुम्हें आज्ञा वाली कान लगे अशुद्ध वस्तु को छुआ है। आई अशुद्ध वस्तु ने तुम्हें स्पर्श के लिए आपका आत्मा बीमार है। आई तुमसे जो आत्मा आ रही वो आजारी है, श्रापित हो गई। आई मन तुम्हें श्रापित होता है। इसलिए आगे लिखा है कि सब विधियों को न माने। आई जो सर्व विधि है तो पालन करना नहीं। विधि क्या होती है? आई विधि का यश है। विधियां क्या है? आई विधि का है। नियम तो मैंने बताया, नियम मतलब क्या मालूम? नियम का मतलब है कि परमात्मा जो तुम बोगे वो तुम्हें मिलेगा। आई नियम से अर्थ है तो विषय का ही पहला त्याग करके फिर मान लेते हैं। आई नियम विधि बनवता ते सुनानी फिरायचं त्यांच्या भोवती सासरा वेला ते विधि त्यांच्या हाँ ये संसार की विधि आई हम जल्दी विधि आपको भी विधि आ रही है। आई तुम्हारा सुबह विधि दी जाता है जैसे उदाहरण आई जैसे उदाहरण यहाँ 10 बजे प्रार्थना होती है। आई के 10 बजे प्रार्थना होते आपको 10 बजे आना। आई तुम्हारा 10 बजे ऐसा है सूर्य आराधना आप इधर भी और उधर में भी करना। आई सूर्य आराधना तुम्हारा इधर आई जरा भी सुबह करेगा डेली वैयक्तिक प्रार्थना और फैमिली प्रेयर होना चाहिए। आई तुमची रोज वैयक्तिक प्रार्थना आई कौटुंबिक प्रार्थना सारी पाहिजे। डेली बाइबल पढ़ना ये विधि है। आई रोज बाइबल वाचना ही तुमची विधि आहे। अपराधियों को क्षमा करना आई अपराधी लोकांना क्षमा करना ये विधि है। आई ये विधि आहे। जुनी जुनी बातें उखाड़ के नहीं निकालना। आई ज्या काही जुन्या गोष्टी आहे ते उखडून काढायच्या नाही। याद रखो जो कुछ बहुत साल पहले हुआ कल भी जो कुछ हुआ उखाड़ के मत निकालो। आई जे खूप वर्षांपूर्वी झालेलं आहे किंवा काल सुद्धा जे काही झालेलं आहे ते उखडून तुम्ही काढून ये विधि है। आई ये आप निकालोगे आपका भी निकाला जाए। आई जब तुम्हें काटता तो तुमको सुधा काटने आता है। किसी का भी निकालोगे आपका भी निकाला जाए। आई जब तुम्हें कौन से ही काटता तो तुमको सुधा काटने आता है। क्षमा नहीं करोगे आपको भी क्षमा नहीं मिले। आई जब तुम्हें क्षमा नहीं करना तुम्हारा सुधा क्षमा नहीं मिल रहा है। तो ये विधि है। आई ये विधि आ रही विधि है कि आप मसीह ने मसीह पदर से ही शादी करना है मसीह व्यक्ति से करना। आई विधि आई आई विधि आई कि तुम्हें कृषि आना तो तुम्हें कृषि पदर वाले आई कृषि व्यक्ति से तुम्हें लगा लगा माँ बाप के आदेश देना ये विधि है। आई आई बोलने जा आदेश देने वाले आने ही विधि है। आज्ञा के साथ साथ विधियाँ भी दी है। आई आज्ञा सुबह देवाली विधि से ना दी गई है ये करना है। आई ये सर्व काही करायचं जब आप इसे नहीं मानते आणि जेव्हा तुम्ही या गोष्टी ना मानत नाही इतने लोग संसार में उसमें से लग जाते हैं। आणि जेवढे लोक निसर्ग देशामध्ये आहे तेवढे तुम्हाला लागतात। इसलिए सब किसी को अभी सर्दी का आत्मा मंडल का है तो वो जो को सर्दी आणि म्हणून सर्दी से आत्मा फिरत आहे म्हणून खूप लोकांना सर्दी रात को नींद नहीं आणि रात्रीचे झोप नाही आणि खोकला बुखार आणि नंतर ताप टायफॉइड आणि नंतर टायफॉइड मलेरिया आणि नंतर मलेरिया फिर नॉर्मलची बीमारी आहे पोट दुखी आणि पोट दुखणं डेंग्यू डेंग्यू थायरॉइड थायरॉइड ये थायराइड डायबिटीज थायराइड डायबिटीज बीपी ये तो एक बार लग गई ना तो लग गई नहीं जाती आई कितना भी बोलो नहीं जाएगी। आई जब तुम्हें किसी बोला तरी नहीं जाना। मैं आपको ये भी बताती हूँ आई तो मैं ये सुधा सामने ये अगर आप न्यूज में या टीवी में मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट देखते कि हमेशा के लिए खत्म की जा गई डायबिटीज थायराइड तो ये सारे कंट्रोल रहेंगे लेकिन जाएगी नहीं। आई ये सब नियंत्रण में रहती परंतु फिर ज्यादा चाहिए और जब आप बीमार गलती करोगे इन्हीं बीमारी को जो अंदर बैठ चुकी है वो जागरूक हो जाएगी। आणि जेव्हा तुम्ही सुद्धा करता हे जे आदरण तुमच्या आत्मने बसली आहे ते जागरूक होईल हे हमेशा याद आणि हे नेहमी लक्षात जब आप आत्मन कर दोगे आयुष्या के लिए आणि जेव्हा तुम्ही नेहमीसाठी डोळे बंद कराल तर थायरॉइड चला जाएगा आणि जेव्हा थायरॉइड निघून जाईल निकल जाएगा आणि बीपी सुद्धा निघून जाईल शुगर निकल जाएगा आयुष्यभर निघून जाईल लेकिन अगर आई जर आपके वंश ने गलती किया है आई तुम सब वंश ने सब चुकी की लिया है उसके ऊपर उतर जाए आई ताजा वर्ती के उतरे अनुवंशिक है ना ये बीमारी और ये जो आजत पर आई थी अनुवंशिक अनुवंशिक है ये पूर्वजों से उतर के आ रहे हैं आई ये पूर्वजों के पास उतर आ रहे हैं इसीलिए ये
भेटी झाले आई म्हणून हे पाहून जा आपले बच्चों को बोला करो आई म्हणून तुम्ही तुमच्या मुलांना सांगा तुम गती मत करो आई तर चुका करू नको आणि तो तुम्ही भी बीमारी लगे आई नाही तर तुला सुद्धा हे आजार पण लागले बीमारी मेरे माँ बाप से मुझे मिली है आई हे जे आजार पण आहे ते मला माझ्या आई वडिलांपासून तुझे नाही मिले बाबा आई तुला भेटू नये इसलिए तू प्रार्थना कर आई म्हणून तू प्रार्थना करो तू बोला ये बीमारी मुझे कभी छूने नहीं देना क्योंकि प्रभु ने क्या कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करो बुराई से मुझसे बचा बुराई को मुझसे दूर रख तो जब आप ऐसा डेली बोलोगे कि मुझे इसे दूर रख तो प्रभु आपको ये बीमारी छूने नहीं देगा आणि जब तुम्ही रोज प्रार्थना करा की प्रभु तुम्हारे या गोष्टी पासून दूर ठेव तो प्रभु तुम्हारा आजार पण स्पर्श करू देणार नाही इसलिए बीमारी एक श्राप है प्रिय आणि म्हणून आजार पण प्रिय आहे एक श्राप आहे येशू ने कहा मैं यहोवा राफा चंगा करता परमेश्वर आणि येशू म्हणाला की मी यहोवा राफा आरोग्य देणारा देव आहे जब उसने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला आणि जेव्हा त्यांनी इस्राएली लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढलं उनकी छावनी भी शुद्ध करने के लिए कहा आणि त्यांना त्यांची जी छावनी आहे ती सुद्धा शुद्ध करण्यासाठी सांगा डेली का डेली डेली का डेली उनको जमा करने को कहा आणि जे जेवण आहे ते रोज त्यांना घेण्यासाठी सांगितलं सिर्फ सॅटरडे को ही है जो उनको दो दिन का खाना इकट्ठा बनाने के लिए कहा था आणि फक्त शनिवारच्या दिवशी त्यांना जे जेवण आहे ते दोन दिवसांचं गोळा करण्यासाठी सांगितलं तो इसका मतलब जब भी वो बोलते थे जब भी तुम्हारा तुम्हें क्या करना है जब तुम्हें लैट्रिन को जाना है पेट साफ करना है मल निकालना है तो तुम्हें अपनी छावनी से बाहर जाकर खंती देकर जाकर क्या करना है खोदना है मल डालना है फिर क्या करना है वो ढाप देना है क्यों ये सब बोला क्योंकि इसलिए क्योंकि उसके द्वारा भी बीमारियां फैलती है इसलिए अगर आपका एरिया एरिया आपका घर साफ सुथरा नहीं बर्तन पड़े हुए हैं उसके कीटाणु जो उसके ऊपर चढ़ गए वो जल्दी नहीं निकलेंगे आणि लक्षात ठेवा जर एकदा केलं तर त्याच्यावरती चरबी ती लवकर निघणार डेली बर्तन घासणे को क्यों बोलते आणि म्हणून रोज भांडी घासण्यासाठी का सांगतात कीटाणु न चढे आणि जे कीटाणु आहे ते चढू नये उसके द्वारा भी बीमारी आहे आणि त्याच्याद्वारे सुद्धा आजार पण येतो इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि इसराइल की छावनी में बीमारी रहे इसलिए उसने खास कहा था कि लैट्रिन करने के लिए बाहर जाए और मल जब दे तो उसी रीति से आपके घर में जितने लोगों के घरों में लैट्रिन है इस्तेमाल करने जाते हो तो पहले आपको पानी से धोना है और फिर उस पर उस कमोड में बैठना है आई जर तुम्ही कोणाचा जर दुसऱ्याचा तुम्ही टॉयलेट जर वापर करता तुम्हाला काय करायचं आहे पहिले स्वच्छ पाणी धुवायचं आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला वापर करायचा आहे बाथरूम अशुद्ध रहेगा तो घर में बीमारियां रहेगी आणि जर बाथरूम अशुद्ध असेल तर घरामध्ये आजार पण असतात जिसमें अभी बहुत सारे घरों में बाथरूम लैट्रिन अलग है और बाथरूम जाने का जो ठिकाण वो अलग है आणि खूप सारे घरामध्ये जे टॉयलेट आहे आणि जे बाथरूम आहे ते वेगवेगळं आहे तो बाथरूम भी साफ रखना आणि बाथरूम सुद्धा स्वच्छ ठेवायचा धुवायचा आणि काढून धुतले आज घेऊन होणार आहे आणि आज का धुवायचा आहे बाथरूम भी साफ रखना आणि बाथरूम सुद्धा स्वच्छ ठेवायचा आहे बाथरूम में पैर धोने के लिए इसके लिए उसके लिए जाते तो जब धोते समय हम क्या करते पैर ऐसे ऐसे लेते हैं बराबर है तो कीटाणु कभी कभी उसके द्वारा हमारे शरीर पर आ जाते हैं आई जी कीटाणु आने कभी कभी कैसे द्वारा आपके शरीर पर वर्ती येतात इसलिए बाइबल में खास बताया गया था जो अशुद्ध होता था उसे छावनी के बाहर दिन भर रखा जाता था आणि ताकि उसके कीटाणु दूसरों के ऊपर नहीं आए आणि म्हणून जे लोक अशुद्ध व्हायचे त्यांना छावणीच्या बाहेर ठेवण्यात यायचं कारण त्यांचे जे कीटाणु आहेत ते दुसऱ्यांवरती जाऊ नये हा धोके फिर अंदर आतात आणि अंघोळ करून मग नंतर ते आतमध्ये यायचे ये परमेश्वर ने रूल्स बनाए आइए निवारी नियम बदलने के होते जो कोड़ी थे आई जी कोड़ी होते उनको बाहर क्यों निकाला जाता आई जाना बाहर का काटने थे जो ऐसा रोग था कि एक से दूसरे पे हो जाता था आई एक असर जो होते थे एक आपस में दूसरे करते जाए इसीलिए कोड़ियों को बाहर निकाल दिया जाता आई गुरु जी कोड़ी होती थे ना बाहर काटने थे यहाँ बीमार व्यक्ति खुद ही बोलता है मुझे मुझसे तुम लोग दूर हो जाते बीमार व्यक्ति ने खुद ही सोचना चाहिए कि बाबा मैं किसी को नहीं छूना मैं किसी के नजदीक नहीं जाना ये सब उस बीमार व्यक्ति के अंदर खुद से वो फीलिंग्स आनी चाहिए कि बाबा मैं बीमार हूँ मुझे सर्दी है किसी और को जाएगी मैं अगर शिवपुर ऐसा खुले में डालूंगा बाहर मट्टी में डालो खुले में मत डालो जितना लोग चलते हैं उसमें मत डालो ऐसे निकालो लेकिन मिट्टी में डालो अरे कहा परंतु तुम्हें बाजू मजे डाला हाँ तो
मीटिंग हो जरूर होती है, आई माथे को टीका ही असे, या फिर आपका जो बाथरूम का जो बेसिन है या बाथरूम है उसमें डालो, आई तुम सब बाथरूम से जो बेसिन आ रही है बाथरूम में जैसे डालोगे तो उसके अणु फैलते हैं, आई से तुम उड़ने में डालता जैसे जो अणु आ रही है आप बलून निकालते हो, आई से तुम्हें थूकी काटता तो वो भी थूकी भी आप मिट्टी में डालो, आई से थूकी आगे तो तुम्हें बाथरूम में डालता, क्यों जब हम किसी कोई और उसके ऊपर चलता है तो उसके कीटाणु क्या हो जाते हैं दूसरे के पैर को लग जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी बीमारियाँ छूने से भी होती है स्पर्श से होती है, सर्दी करने वाला छींकने वाला तो उसके ऊपर छींकता है वो कीटाणु उसके ऊपर भी उड़ जाते हैं, सर्दी करना व्यक्ति जो कीटाणु है दूसरा व्यक्ति सुंदर जाता है तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने उन्हें खास कहा था कि तुम अशुद्ध हो छावी से बाहर निकल, आयु दर्शन नहीं उठते हैं तारे देवा इतना खास सांगे हो तो तुम्हें अशुद्ध आह तुम्हें छावी से बाहर जा, तो इस रीति से हमें भी अपने बातों में केयरिंग करना ही जरूरी है, आई नो आप लोग से यार बोलते हैं कि काल की नहीं गलती से आने हमें भी लाइन में खड़ी थी मेरे पीछे गौरव खास रहती आज की लाइन में भी उठी होती आई वहां से पार्टी मांग की चीज बड़ी होती थी खूब बात होती हाथ ठेवा ना मोटे है लाल बात की तेरी भी तो मोटे है ना सभी कर ली तो फूको फूको होती ना सब रीता हवा लागो पीछे लगवा दी अड़ा करू ना अड़ा करू मैं मेरा यीशु चरकता नहीं हूँ टाके मला खोकला हूँ जो हूँ कल तो कहने का उद्देश्य प्रियो परमेश्वर ने अपनी छावनी साफ करने के लिए जब आपका घर आपका एरिया आप क्लीन नहीं रखते हो तो आपको बीमारियां फैलती है, आई जब तुम स्वच्छ घर की लोग तुमसे जो एरिया आगे त्याग तुम स्वच्छ ठेवा दें जब तुम ये आदत बनाए कि कल तो पसर कर जब आप आगे उल्लंघन करते हो तब बीमारी फैलती है, आई जब तुम आगे से उल्लंघन करता देगा आदत तो पसर कर मरियम ने प्रभु की दास की निंदा की वो थोड़ी हो गई बीमार हो गई, आई मरियम ने देवा से दासा की निंदा की थी कोटी बन गई थी आजारी धरे एलिशा का जो दास गेहजी था उसने लालच किया पैसों के पीछे गया वो कोड़ी हो गया, आज एलिशा से जो दास होता गेहजी का ही लोग केला तो पैसे जमा के केला आई तो आजारी सर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो शैतान की ओर से आई कहानी से आजर पर आजर थे शैतान से डर के आज जैसे पागल पर होना आई तो सब बेटा हो मानसिक संतुलन खो देना आज ये मानसिक संतुलन है ये हर रोज शैतान की ओर से आज ये शैतान करते हैं जैसे बाइबल में 18 साल से फूटी स्त्री के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि उसे 18 साल से शैतान ने पकड़ा था आज जैसे बाइबल में कि आपने 18 वर्ष पास जी को भी स्त्री आने की इच्छा बदल कर तो और यीशु बना कि 18 वर्ष पास शैतान की इच्छा बदल कर लिए तो हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां शैतान भी देता है आई अपन पाहतो की काही जे आजार पण आहे ते शैतान सुद्धा देतो शैतान की ओर से भी वो होती है आणि शैतान कधी सुद्धा ते होता इसीलिए प्रियो शैतान के जालों में फंसे कैसे आणि पण शैतानाच्या जालामध्ये ये लोग फसले जब वो उनके लिए दरवाजा खुला रहते हैं आई जी पण ते लोग काय करतात त्याच्यासाठी दरवाजा उघडतात उस समय हम देखते हैं कि शैतान को अवसर मिलता है मसीह लोगों को गुलाम बनाने के लिए उनके जीवन में काम करने के लिए आई त्यावेळी शैतान संधि मिळते किसी लोगों का गुलाम बनवण्यासाठी आई त्याच्या जीवनामध्ये काम करण्यासाठी ये बहुत जरूरी है आणि फार गरजेचं आहे वैसे ही जैसे वो पैरालाइज वाला आदमी उसने क्या किया था उसकी जिंदगी में ऐसे पाप किए थे इसलिए यीशु ने उसे कहा तेरे पाप क्षमा हुए और उसी घड़ी को चंगा हो गया आरोग्य चलने फिर यीशु ने आज्ञा दे दी वो उठने लगा यीशु ने आज्ञा दे दी तो उठाई साधन होता है जिसके कारण मनुष्य क्या करता है उनके जीवन में बीमार गिर जाता है आगे पाप में ऐसे एक साधन असर जैसे मैं कह रहा हूँ मनुष्य से जीवन में आदर बने तो सबसे पहला पॉइंट प्रियो आपको परमेश्वर ये बताता है बीमारी एक श्राप है आगे सर मैं पहला मुद्दा के लिए तुम्हारा सामने आदर पर एक श्राप आ है ये शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा को भी बीमार कर देती है आगे शरीर का स्वरूप तुमसे आत्मा से ना आजारी करता है तो हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे अभी आगे आप कहा वचन ना वाचे तो इसलिए आज से अपना घर साफ रखो खुले में रखा हुआ खाना मत खाओ आई उन्हें अच्छी जगह का फ्रेश खाना खाओ
आणि चांगल्या ठिकाणाचं जे ताजं जेवण आहे ते तुम्ही खा. हा परमेश्वर चाहता है आप क्लीन खाना खाओ. आणि देवा ठीक आहे की स्वच्छ जेवण तुम्ही जेवा. अशुद्ध खाना खाओगे आणि जर तुम्ही अशुद्ध जेवण जेवता खाओगे आणि जर तुम्ही काही खाता तो फिर भी बीमारी आ सकती है. आणि मग तरी सुद्धा आजारपणी येऊ शकतात. खाना देते समय देखो की इसके समोसे रोज खत्म होते हैं. आणि जेवताना बघा की याचे जे समोसे आहेत ते रोज संपतात. इसका समोसा खत्म होता है इसी समोसे वाले से समोसा लो. आणि त्याचे समोसे संपतात त्या समोस्याकडून तुम्ही समोसा. जिसका वडा पाव डेली खत्म होता है उसका वडा पाव लो. जिससे जिसका होटल का खाना डेली खत्म होता है आणि ज्याच्या हॉटेलचे जे जेवण आहे ते रोज संपतं उसी हॉटेल में जाओ. आणि त्याच हॉटेलमध्ये कभी कभार चलने वाला कभी कभार रहने वाला वो फ्रिज भी बनाए वो आपको बासी खाना देगा. आणि कधी कधी चालणारा जो काय करतो फ्रिज मध्ये जे आहे तेच तुम्हाला देतो. परमेश्वरने उनको मना दिया वो भी डेली. आणि देवाने त्यांना मना दिला तो सुद्धा रोज मतलब डेली आपका घर खाना आपका फ्रेश होना चाहिए. आणि रोज तुमचं जे जेवण आहे ते ताजं असलं पाहिजे. सॅटरडे को उनको दो टाइम का यानी आप सॅटरडे का खाना आप संडे को खा सकते हो. आणि शनिवारचं जे जेवण आहे ते तुम्ही रविवारी खाऊ शकता. मालूम हुआ बाकी खाना बनाओ लेकिन फेंको मत. आणि बाकी तुम्ही जेवण बनवा परंतु ते फेंको नका. बहुत घरों में खाना फेंका जाता है इसलिए भी आप बीमारी उत्पन्न कराते. आणि खूप घरामध्ये जे जेवण आहे ते फेकायला देतो म्हणून तुम्ही आजार पडायला काही फेकणार. आणि जे अन्न आहे ते कधीच फेकू नका. अन्न फेकना म्हणजे आप बीमारी को अपने पेट में लाते हैं क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम्हें अन्न फेकना मैं तुझे ऐसा करूंगा कि तू अन्न नहीं खाएगा. आणि जेव्हा तुम्ही अन्न फेकता तेव्हा देव म्हणतो तो अन्न फेकलेला आहे म्हणून मी असं करेल तर तुला अन्न जाणार नाही तर तू खाना नाही खा सकेगा. आणि तेव्हा तुला अन्न जाऊ शकतो. बहुत से लोग कभी कभी देखो आप में से बहुत लोगों को अन्न कभी कभी अच्छा नहीं लगता खाना नहीं खाते कम खाना खाते हो क्यों क्योंकि आप अन्न फेंकते हो. आणि खूप लोकांना अन्न जात नाही आणि जे अन्न आहे ते आवडत सुद्धा नाही कारण तुम्ही लोक काय करता अन्नाला फेकता. कभी अन्न मत फेंको. आणि कधीच अन्न फेंको. घरी में आया हुआ सारा चावल जो चपाती है वो सब खाने से पहले बोलो ये कम करो. आणि जेवणाच्या आधी सांगा की कमी करा. कम करने के बाद और ऐसा लगा मैं करती हूँ कभी कभी मैं कम करा देती हूँ बाद में बोलती हूँ काय कर मला आवडली चपाती आहे ले ले लेकिन वो चलेगा. आणि ते चालेल पण अरे बाबा मी खाईल खाईल म्हणून चार पाच चपात्या घेतल्या. अभी खाऊ की इसी कारण चार पाच रोटी एवढा भात घेतला आणि इतर सारे चावल दिया दोन चपात्यात पोट भरलं आणि दोन रोटी मी पेट भरत गया दुसऱ्या भातात पोट भरलं आणि तसे चावल मी मेरा पेट भर गया पेट ऐसा नहीं करा. आणि अशा रीतीने आपले बच्चों को भी खाना न फेंकने की आदत लगाओ नहीं तो आपके बच्चे आगे जाके खाना छोड़ देंगे. आणि तुमच्या मुलांना सुद्धा जेवण न फेकण्याची तुम्ही सवय लावा नाही तर तुमची मुले जे आहे ती पुढे जाऊन जेवण जो स्कूल में टिफिन लेके जाते टिफिन रिटर्न नाही आले का. आणि तुम्ही शाळेमध्ये जे काही डबा घेऊन जातो तो डबा रिटर्न आणायचा नाही. टिफिन बाहेर बाबा मी घर में मार मिळेगा बोलते कचरे के डबे में डाला बोले मम्मी ने नहीं देखा पप्पा ने नहीं देखा स्वर्गीय पिताने देखा. आणि भले मम्मी किंवा पप्पांनी पाहिलं तर नाही परंतु स्वर्गीय पिताने ते पाहिलेलं. आपको फिर ऐसा करता है कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप अन्न के तरस से हो सामने अन्न होता है लेकिन खा नहीं सकते. आणि मग तुम्हाला एक दिवस असा करतो की समोर जेवण असतं तरी सुद्धा तुम्हाला ते जात नाही. कभी अन्न मत फेंको. आणि म्हणून कधीच अन्न फेकू नका. परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नाही आप अन्न फेकते. आणि देवाला बिलकुल आवडत नाही जेव्हा तुम्ही अन्न फेकता. एक कारण होता है बीमारी के लिए. आणि ते सुद्धा एक कारण असा आजारपणाचं. मालूम हुआ इसलिए प्रियो कुछ कुछ बातें हैं जो हमें बीमार बनाती है. आणि काही काही गोष्टी आहेत ते काय करतात आपल्याला आजारी करतात. अभी जैसे हमने आज के वचन में देखा आणि जसं आपण आजच्या वचनामध्ये पाहिलं हमने देखा की यीशु ने उसे देखने पर उसे कहा उसे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है. आणि यीशु त्याला बघून त्याला विचारले तुला आरोग्य मिळायचं आहे का. छठे वचन में आप पढ़ सकते हैं. आई सावे वचन में तुम्हें बात शक्ति यीशु उसे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है. और यीशु ने अपनी शक्ति से लव बदल होने की इच्छा है. पहली बात तो प्रियो यार लोगों हर कोई चंगा होना चाहता है क्या. अभी मुझे बताओ आप लोग चंगा बीमार है तो चंगा होना चाहते हो. आई वाला सामने जब मैं आजा नहीं आया तो वाला बदल होने की इच्छा आने का. फिर यीशु को मालूम है ना फिर यीशु ने क्यों पूछा. आणि येशूला माहित आहे तरी सुद्धा येशूने काम विचारले बहुत लोक चंगा होणार नाही चाहते. आणि कारण खूप सारे लोकांना बरं होण्याची इच्छा मध्ये होतो. आणि असा विचार करू नये. ऐसे कितने बीमारों को देखा है जिन्होंने कहा प्रार्थना मत करो क्योंकि मुझे ऐसे ही मरना है. आणि मी अशा की आजारी लोकांना पाहिलेलं आहे जे लोक म्हणाले माझ्यावरती प्रार्थना करू नका मला असंच करायचं आहे. मी एक पॅरालाइज औरत को देखा था जिसकी शादी नहीं हुई थी आणि प्रभू म्हणाले नखून बडे हुए थे आणि तिची नखाने वाढलेली होती तो नखून से बाळ कर रही थी आणि ती नखाने अशी केस करत होती
मैंने पूछा तुम चंगा होना चाहती हो? आई विचार तुला बरं व्हायचं आहे का? नाही. आई ती म्हणाली नाही. मैंने पूछा क्यों? आई विचार तुला मैं ऐसे ही जाना चाहती हूँ. कितने ऐशो आराम का लाइफ है, सब कुछ बेड पे मिल रहा है. मेरे पहले मेरे भाई की शादी हुई है. आई माझा बोला माझ्या भावानी लग्न का केलं. तो अभी उसके भाई को और मेरे भाभी को तो तकलीफ देना ही पड़ेगा. आई माझ्या भावाला आई माझी जी वही आहे तिला त्रास द्यावा लागेल. अब तो मैं ऐसे ही म्हणतो त्यांना खाली दे असे बोलून असे लांबले लांबले नको होते. तापवतच होती ती नंतर बसून झोपून झोपून त्याला फिनिशिंग करायचं. आपको समझ में आया? आई तुम्हारा समझ गया. तो जरूरी नहीं है कि अंधे को जब यीशु ने पूछा हे अंधा तू क्या चाहता है, क्योंकि यीशु को मालूम है अंधे को पैसों की जरूरत है, भीख की जरूरत है. शायद वो यीशु के पास बोलेगा मुझे 10 रुपया दे दे, क्योंकि भिखारी तो यही मानता है. आई भिखारी ऐसा है तेरे पास तो बराबर है. इसलिए यीशु ने खास पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ. आई बोलूँ यीशु ने तेरा विचार है कि तुझे क्या इच्छा है कि तू दूसरे से क्या करूँ. उसी रीति से प्रियो यहाँ पर भी प्रभु पूछता है तू क्या चाहता है, तुम चंगा होना चाहता है. आई क्या सीधे एक यीशु से विचार तो कि तुझे क्या इच्छा है, बोला अगर होने की इच्छा. आज ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं मुझे दारू नहीं पीना है, मुझे बीमारी से मुक्त होना है मुझे, लेकिन उनकी इच्छा नहीं रहती है. उनको जो आज्ञाएं हम देते हैं वो पालन नहीं करते. अगर सचमुच उन्हें छोड़ना है, उन्हें सचमुच मुक्त होना है, तो लोग क्या करेंगे? हम जो बोलते वही करेंगे. आई जर खरं खरं त्यांना सोडायचं आहे, त्याच्यामधून मुक्तता मिळायची आहे, ते लोक काय करतील जे काही त्यांना सांगायचं तर त्या स्थितीत ते लोक करतील. कुछ लोग सचमुच छोडता नाही चाहते. आणि काही काही लोकांना खरं खरं ते सोडण्याची इच्छा नसते. आणि त्यांची इच्छा नसते. ही इच्छा नाही, इसीलिए वो लोग गिरते हैं, इसलिए वो पाप में गिरते हैं, इसलिए वो पाप में है, इसलिए व्यसन के बंधनों में है. क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है. आई लोक पापाच्या बंधनामध्ये किंवा व्यसनामध्ये का सरपटलेले असतात? कारण त्यांची इच्छा असते. उनकी इच्छा है. आई त्यांची इच्छा आहे. अगर मैं तंबाकू खाती हूँ, आई सर मैं तंबाकू खाती हूँ, प्रभु को बोलती प्रभु मेरी तंबाकू छोड़ो. आई प्रभु ला बोलती प्रभु माझी तंबाकू सोडा. मैं उत्तर ऊपर से प्रार्थना कर रही आई वरुण वरुण प्रार्थना कर रही मेरे अंदर इच्छा है मैं खाऊं. आई माझ्या अंदर ही इच्छा आहे की वो अभी तक इच्छा मरी नहीं है. आई आतापर्यंत ती जी इच्छा आहे ती मेरे लिए झाली. इस पर कोई लागू नहीं होगा. मेरा आत्मा बीमारी रहेगा, तंबाकू से ग्रस्त रहेगा. जो कुछ बीमारी जैसे मैंने आपको कहा डायबिटीज बीपी थायराइड ये अंदर जैसे जकड़ी हुई है. अरे डायबिटीज बीपी और थायराइड जैसा आत्मा ने जकड़ा है. हाँ, ये कैसे उसी रीति से ये आत्मा में बीमारी है. आइडियाज देने की आत्मा में जो आसर पड़ा है. अगर थायराइड निकालना है आई सर थायराइड का काढ़े चाहते. अगर डायबिटीज को निकालना है आई सर डायबिटीज काढ़ी आए. अगर बीपी निकालना है आई सर बीपी का काढ़े जाए. आत्मा को उसे चंगा करना है. आई सर त्याच्या आत्म्याला सुद्धा आरोग्य द्यावा लागेल. उसी रीति से आई त्याच रीतीने मुझे अगर तंबाकू छोड़ना है आई सर मला तंबाकू सोडायची आहे. गाली देने की आदत छोड़ना है. आणि शिवाय देण्याची जी सवय आहे ती सोडायची आहे. आणि सर्व आजार पडाले हे सारी मुझे बीमारी लग गई है कि मुझे गुस्सा आया तो गाली निकल गई. अरे मला एक आजार पण लागलेला आहे जेव्हा मला लागेल तो तेव्हा शिवाय निघतात. एक बीमारी है आणि एक आजार पण आहे. वैसे प्रिय आज जो दारू पी रहे संसार में आणि त्याच रीतीने प्रिय ने जगामध्ये जो दारू पितात तंबाकू खातात तो बीमारी है. एक अमीर आदमी है, बाइबल में उदाहरण में आपको बता दो, एक अमीर आदमी है.
आणि श्रीमंत तरुण आहे और उसे येशु के पीछे चलना आहे आणि त्याला येशूच्या पाठीमागे चालायचं आहे अनंत जीवन चाहिए आणि त्याला सर्वकाळी जीवन हवं और उसने येशू को पूछा आणि त्याने येशूला विचारलं येशूने कहा तेरे पास जो कुछ है बेच दे आणि येशू त्याला म्हणाले तुझ्याकडे जी काही आहे तू सर्व काही विकून टाक मेरे पीछे हो ले आणि तू माझ्या पाठीमागे ये अनंत जीवन आणि मी तुला सर्वकाळी जीवन दे उदास हो गया आणि तो उदास झाला उसने तिसे ये जो दारू पीने वाले तंबाकू पीने वाले सिगरेट पीने वाले उनको बोलो उदास हो गया आणि त्या स्थितीने जे दारू पिणारे तंबाकू पिणारे किंवा सिगरेट पिणारे आहेत तुम्ही त्यांना सांगा की लोक उदास होते उनकी इच्छा नहीं आणि कारण त्यांची इच्छा नाही जब तक अभी जैसे मुझे येशू के पीछे होना आणि मला येशूच्या पाठीमागे चालणार उसके लिए मेरी इच्छा है जो कुछ प्रभु के लिए करना है कर सकता है आणि त्याच्यासाठी माझी इच्छा आहे म्हणून जे काही प्रभूसाठी करावं लागेल ते मी करेन इच्छा करवाता है आणि जी इच्छा आहे ती करवून घेते जो इच्छा कहा होता है आणि इच्छा कुठे असते प्राण में आणि प्राणामध्ये कहा होती है आणि कुठे असते आपके प्राण में इच्छा आनी चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूं मेरी इच्छा होनी चाहिए मेरा आत्मा भी चंगा हो आणि तुमच्या प्राणामध्ये इच्छा झाली पाहिजे की हे जे काम आहे ते मी करू नये आणि माझा जो आत्मा आहे त्याला सुद्धा आरोग्य मिळावं तब आप मुक्त होगे आणि तेव्हा तुम्ही आदर भागातून मुक्त व्हाल आपकी इच्छा थी इसलिए मूर्ति पूजा छोड़ आई तुमसी इच्छा होती है तो मूर्ति पूजा छोड़ ली आपकी इच्छा थी इसलिए भक्तों के पास जाना छोड़ दिया जादू टोना करना बंद किया आई तुमसी इच्छा होती है तो भगवान वाले जाना छोड़ लिया जादू टोना करना सुना छोड़ लिया तो वैसे ही आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए आई क्या चाहिए तो अच्छा आपको सुना इच्छा असली बात है यीशु ने उसे पूछा तेरी इच्छा है तू चाहता है क्या चंगा होना आणि मग येशूने त्याला विचारलं की तुझी इच्छा आहे आणि तुला गरजेचं आहे का की तुला बरं होतं दुसरी दिसते प्रिय येशू के पास आने वाला भी पहिले येही देखता आहे की येशू येही हमें देखता आहे हमारी इच्छा आहे की हे सब छोड़ दे आयुष्य म्हणजे येशूकडे येतो येशू सर्व पहिले त्याच्यामध्ये हेच पाहतो की त्याची इच्छा आहे का सर्व काही सोडण्याची यहां तक की बीमार व्यक्ती भी जो येशू के पास आते पहिले येशू देखता है इसकी इच्छा आहे क्या चंगा होने की आई करे तो जो आजारी व्यक्ति यीशु करे तो यीशु सर्व करे हे स्वादो की याला बदलने की इच्छा आने का जब हम देखते हैं कि वो लंगड़ा व्यक्ति जब सुंदर फाटक की ओर बैठा हुआ था जब देखा पतरस ने और यहूना ने जब देखा कि उसकी चंगा होने की इच्छा है तब उसने कहा यीशु नासरी के नाम से चल फिर आई जो सुंदर फाटका सर जो लग्ना व्यक्ति बसलेला होता पहिला आणि युवानाने त्याला पाहिला आणि त्यांनी बघितलं की त्याची इच्छा आहे त्याला बरं होण्याची तेव्हा ती लोक म्हणाले की तू उठ आणि चालू फिरला आणि तू चालू लागला इच्छा आपको मजबूत करे आणि इच्छा तुम्हाला मजबूत करे अगर आप इच्छा से करोगे परमेश्वर हा मेरी इच्छा आहे आणि जर तुम्ही इच्छा नाही कराल की हा प्रभू माझी इच्छा आहे प्रभू जरूर छुटकारा दे आणि प्रभू नक्की तुम्हाला छुटकारा दे थायरॉइड से भी आणि थायरॉइड पासून अगर आपका आत्मा चंगा हो गया तो आपका थायरॉइड आप मुक्त हो जाओगे लेवल में रहेगा शुगर लेवल में रहेगी बीपी नॉर्मल रहेगा आणि जर तुमच्या आत्म्याला जर मुक्तता भेटली आहे तर तुमचं थायरॉइड किंवा तुमचं जे काही शुगर वगैरे आहे ते लेवल मध्ये राहील नॉर्मल रहे आणि नॉर्मल राहील मालूम हुआ तो इच्छा क्या करती है हमारी आत्मा को चंगाई देती है आणि इच्छा काय करते आपल्या आत्म्याला आरोग्य देते पढेंगे कुछ वचनों को आणि काय वचन वाचणार पहिला हम पढेंगे आयसाया 1 उसका 16 आणि येशया 1 त्याचा 16 येशया येशया 1:16 आणि 1 त्याचा 16 आपला जुवा स्वच्छ करा माझ्या डोळ्यात पडून आपल्या कर्माचे दुष्टपण दूर करा दुष्टपणा करण्याचे सोडून द्या चांगले करण्यास शिका नीतीच्या मागे लागा जुल्माच्या ताऱ्यावर आणा आनंदाचा न्याय करा विधेयचा कैवार घ्या अपना दुआ स्वच्छ करा हाँ प्रभु कहता है कि अब तुम क्या करो अपने आप को धो डालो प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले आपको पवित्र करना है आपको धोकर पवित्र करना है फिर लिखा है मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को दूर करो आप जो जो बुरा काम करते हैं जिसके कारण आपको बीमारी आती है आपका आत्मा श्रापित हो जाता है आप श्रापित हो जाते हो उसे दूर करो फिर भविष्य में यानी आगे आप भलाई करना चाहते हो बुराई करना छोड़ो आणि भविष्यामध्ये तुम्ही जे चांगलं आहे ते करायला सुरुवात करा आणि जे वाईट आहे त्याला सोडून टाका चंगा होना चाहते हो प्रभु ने आपको प्रश्न पूछा है
आई तुम्हाला बरोबर सारे दिवस तुम्हाला प्रश्न केला शरीर को दोनों को चंगा करना है आई आत्माला आणि शरीराला दोघांना आरोग्य द्यायचं आहे सबसे पहिला प्रभु यही कहा है बुराई करना छोड़ो आई सर पहले प्रभु हेच म्हणतो की तुम्ही जे वाईट आहे ते करणं सोडा शैतानला काम करना छोड़ो आई शैतानाचं जे काम आहे ते करणं सोडा बुरे काम करना छोड़ो आई जे वाईट काम आहे ते करणं सोडा दुसरा वचन पडे भजन संहिता स्तोत्र संहिता सात वाक्य अध्याय सात नहीं 51 सॉरी अध्याय एक का वचन उसका सात आई तो सात साम 51 स्तोत्र संहिता स्तोत्र संहिता अध्याय एक का वचन त्याचं सात एजोबाने माझा पाप मळ काढ हा जुफे से मुझे शुद्ध कर मुझे मी निर्मळ होई मैं पवित्र हो जाऊंगा परत धो मुझे धो मुझे मी करताऊ शुद्ध होई हिम से भी अधिक श्वेत बनता हमारा परमेश्वर जुफे से शुद्ध करने के लिए योग्य है सामर्थ्य है अगर वो शुद्ध करेगा तो हम पवित्र हो जाएंगे वो हमें धो देगा तो हम श्वेत बनेंगे इसलिए हमें चंगाई कौन दे सकता है श्वेत कौन कर सकता है सिर्फ परमेश्वर कर सकता है आणि म्हणून आपल्याला आरोग्य कोण देऊ शकतो फक्त देव देऊ शकतो आणि आपल्याला शुद्ध सुद्धा फक्त देव करू शकतो ठीक आहे अभी हम यही पर है कि भजन संहिता में 107 निकाल लेंगे आज है 107 उसका 20 आई कैसे 20 तो आपले वचन पाठवतो त्यांना बरी करतो नाशापासून त्यांचा बचाव करतो हमारा परमेश्वर ही है जो वचन भेजकर हमें चंगा करता है और जिस गड्ढे में आप पड़े हो जिस बीमारी में आप पड़े हो जिस खड्डे में आप पड़े हो जिस श्राप में आप पड़े हो उसमें से परमेश्वर आपको क्या कर देता है बाहर निकालता है आणि देव काय करतो वचन पाठवतो तुम्हाला आरोग्य देतो आणि ज्या गड्ढ्यामध्ये तुम्ही पडले आहात त्याच्यामधून तुम्हाला बाहेर काढतो और एक वचन पडेंगे हम पडेंगे एझेकिएल 36 शुद्ध जल छिड़कूंगा म्हणजे तुम्ही शुद्ध व्हाल तुम शुद्ध हो जाओगे तुमचे सर्व पवित्रता व तुमच्या सर्व मूर्ती यांपासून मी तुमची शुद्धी करेन तुम जिस जिस भागों में अशुद्ध हो और मलिन हो मूर्तियों से भी उसे मैं तुम्हें क्या करूंगा शुद्ध करूंगा प्रभु कहता है मैं तुम्हें शुद्ध जल छिड़कूंगा आणि प्रभु म्हणतो तुमच्या मी शुद्ध जल छिड़कले इसलिए प्रियो शुद्ध जल छिड़क के पर आप क्या हो जाते हो शुद्ध हो जाते हो आणि म्हणून प्रियाने जेव्हा शुद्ध जल छिड़कले तिथे देवता ते काय होता शुद्ध होता फिर कहता है तुम शुद्ध हो जाओगे और किससे शुद्ध हो जाओगे अशुद्धता से मूर्तियों से उस पाप से उस घृणित वस्तु से आई तुम्हें अशुद्धतेपासून आई जी मूर्ति आहे जी घृणित पाप आहे त्याच्यापासून तुम्ही शुद्ध व्हाल भजन संहिता 30 में लिखा है तू मुझे पुकार मैं तुझे चंगा कर दूंगा आणि स्तोत्र संहिता अध्याय 30 मध्ये देण्यात आलेले आहे तू माझं नाव कर तुला काय करेल उत्तर दे हां पहिला योहान की पत्री पहिला योहान फर्स्ट जॉन पहिला योहान प्रभु यीशु का लहू हमें क्या करता है सारे पापों से यूहन्ना फर्स्ट जॉन लेटर चैप्टर 1 वर्स 7 वो हमें शुद्ध करता है उसका लहू यीशु का लहू हमें क्या करता है शुद्ध करता है आणि यीशु से रक्त आपल्याला काय करतो शुद्ध करतो शुद्ध जल आणि शुद्ध जल यीशु का लहू यीशु से रक्त हमें क्या करता है आपल्याला काय करतो शुद्ध करता है शुद्ध करतो बीमारियों से आणि आजारपण अशुद्धता से आणि अशुद्धते मलिनता से आणि मलिनता पासून मूर्ती से घृणित बातों से आणि मूर्ती पासून आणि ज्या घृणित वस्तू आहे त्याच्यापासून फिर वो किसे शुद्ध करता है आणि नंतर तो कशाने शुद्ध करतो किसे शुद्ध करता है आणि कोणाला शुद्ध करतो शरीर और आत्मा को शरीर आणि आत्म्याला वापस पडेंगे उस वचन को सेकंड कोरिंथियन 7:1-2 दूसरा करंथी अध्याय 7 त्याचा 1-2 सेकंड कोरिंथियन दूसरा करंथी 7 अध्याय 7 वन त्याचा 1-2 तेव्हा प्रिय जन हो आपल्याला ही अभिवचने मिळाली आहे ना म्हणून देहाच्या व आत्म्याच्या सर्व अशुद्धते देहाच्या आणि आत्म्याच्या सर्व अशुद्धते सर्व अशुद्धते पासून आपण स्वतःला शुद्ध करू शुद्ध करे आणि देवाचे भय बाळगू फिर क्या होगा जब तुम शुद्ध हो जाओगे तो परमेश्वर का भय मानोगे पवित्रता पूर्णता आणवर पवित्रता लावगे
मालूम हुआ। इसीलिए हमें किसे शुद्ध होना है, यीशु शुद्ध जल से और पवित्र लहू से। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमारा शरीर और आत्मा भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बीमारी हमसे दूर हो जाएगी। आणि जेव्हा आपण शुद्ध जलाने आणि शिव चरणाने जेव्हा आपण शुद्ध हो तेव्हा आपला शरीर आणि जो आत्मा आहे तो सुद्धा शुद्ध होऊन जाईल। प्रभूने दासों को आज्ञा दिया, प्रेरितों को आज्ञा दिया है कि तुम जाओ, जो बीमार है उन्हें चंगा करो, मध्य दिन दस उसकी आँख में पड़ सकते हैं, कि तुम बीमारों को चंगाई दो, कोड़ों को शुद्ध करो, जो दुष्टात्मा ग्रस्त है उन्हें तुम मुक्त करो। आणि मध्य रात्री 10 ते 8 मध्ये तुम्ही वाचू शकता की येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांना आज्ञा दिली, तुम्ही जा आणि जे कोढी आहे त्याला शुद्ध करा, जे आजारी आहे त्याला तुम्ही आरोग्य द्या, आणि जे दुरात्मा ग्रस्त आहे त्याला तुम्ही मुक्त करा। उसने येशू से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आई तो इंसान का स्वरूप होना चाहिए प्रतिष्ठा, हमारा जो एक सम्मान होना चाहिए वो क्या हो जाती है, निकाल देती, चोरी करती है। आणि आपला प्रतिष्ठा जो सन्मान झाला पाहिजे ती काय करते, त्याला चोरी करते, त्याला काढून टाकते। बड़ा अमीर आदमी को भी अगर कोड हो गया तो लोग उसको प्यार करेंगे, आणि जर तो श्रीमंत व्यक्ती हा फोर्स झाला लोक त्याला प्रेम करतील नाही ना, उसे बाहर ही निकालेंगे ना। आणि नाही त्याला बाहेरच काढतील, प्रतिष्ठा चली गई ना, उसका सम्मान चला गया। आणि त्याची प्रतिष्ठा आणि त्याचा जो सन्मान आहे तुम्ही आप कितने बड़े हो, आणि तुम्ही किती मोठे आहात, आप गलती करते हो, पाप करते हो तो आपका नाम खराब हो जाता है, आपकी प्रतिष्ठा चली जाती है। आणि जेव्हा तुम्ही चुका करता, पाप करता तेव्हा तुमचा नाम खराब होतो आणि तुमची प्रतिष्ठा निघून जाते, आपली इज्जत कम की जाते, आणि तुमची जी इज्जत आहे ती कम, मान सम्मान नाही दिया जाते, आणि तुम्हाला मान आणि सन्मान देण्यात नाही येत। कारण कोण, आणि त्याचं कारण काय आहे, आप खुद आपने पाप किया इसीलिए, आणि तुम्ही स्वतः हातात तुम्ही पाप केलं ज्यामुळे, आपके घर में आपकी इज्जत कम की जाती है। आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही चुका करता तुमच्या घरापासून तुमची जी इज्जत आहे ती कमी करण्यात येते। घर में प्रमुख हो, आई तो दिखाना होगी प्रमुख आहार, तो जो स्वप्नी घर का प्रमुख है, आई स्वप्नी घर का घर का प्रमुख आए, पहले तो उसके पापा है, आई पहले तो उसके पापा है, क्या सभी लोग विश्वास भाई को आदर देते, आई सब लोग मुझे विश्वास करता है तेरा आदर देता था, उनकी बहू देती है, आई तेरी चीज को ना बेटा देता है, आई जो मुल्का नानी को देते हैं, आई जो नानू ना है ते देता था, आई नहीं देता, वही काम अपनी स्वप्निल करेगा, आई तेरे काम से स्वप्निल ज्यादा करे तो उसकी बीवी उसको आदर देगी, आई तेरी जी वाइफ आगे भी तेरा आदर देगी, माँ आदर देगी, आई तेरी आई तेरा आदर देगी, बच्चे क्या बोले पापा बाहर आता था ना आलम आता था छोड़ा ही, बच्चे मजाक उड़ाएंगे, आई जी बोला है कि बस कर ही उड़ोगे, तो ये काम ये जो एक बच्चे जो मान सम्मान देने का जो हक वो किसने गवाया, उसने खुद गवाया, आई बोला करो मान है सन्मान के लिए तो जो हक आए थे तेरे स्वदाम गवो ले रहा है, वो बच्चों को नहीं बोल सकता कि तू मुझे रिस्पेक्ट दे, बोलेगा तू पहले दे पापा तुम ऐसे ऐसा करते हो, आई तो बोला ना नहीं बोलू सकते कि तुम्हें मेरा आदर है, तेरे से बोला तेरा बोलते कि पापा तुम्हें ऐसा नहीं करता, हम अक्सर बच्चों से रिस्पेक्ट चाहते हैं और यहाँ पर नहीं भी बोला करो आदर प्राप्त करने की इच्छा आते हैं, माँ बाप के बेसिक उदाहरण भी उनके साथ है, आगे बढ़ना भी तसा उदाहरण तेरे समोर ठेवायचा आहे। तो पाप हमारी प्रतिष्ठा जो मैंने आपको कहा ना घटा देती है, निकाल देती है, चोरी करती है, और पाप अपनी जी प्रतिष्ठा है कि घटो टाके की कमी करते हैं, चोरी करते हैं, इसलिए कभी भी इसलिए वो बोलते हैं ना, इसलिए छुप छुप के भी पाप मत करो, छुप छुप के भी पाप करेगा तो भी खुला हो जाता है, अब मसीह लोग कितना छुपा के करते तो भी खुल जाता है, आणि आपण फ्रेसी लोग किती लपून करतो तरी सुद्धा ते काय होतं उघड होतं, खुल जाता है ना, आणि उघडून जाते ना,
क्यों खुल जाता है आगे कहाँ क्यों बढ़ता है? हाँ प्रकाश में आप किधर भी करो तो आई दिखाई देगा तो प्रकट होगा ही, कोई एक तो मसीह आपको देखेगा ही, आई एक मसीह दूसरे मसीह को बताएगा, आप बोलोगे मसीह ये इसने नहीं बोलना चाहिए, जिंदगी करने क्यों बोला, मैं भी इसे बहुत अपेक्षा करती हूँ उसकी माँ को नहीं बोले, लेकिन वो सब बातें बोलती माँ को, कुछ कुछ बातें हमें सचमुच पहचानी पड़ती है कुछ कुछ बातें, लेकिन कुछ बातें ठीक है, लेकिन वो हमारे मसीहों का स्वभाव है, सब इंसान का स्वभाव है एक दूसरे को बोलना, अरे तुम्हारा मालूम मेरा निकाल के ना मेरा दीदी, ये हमारा स्वभाव है, अपना स्वभाव है, कभी भी छुपा नहीं सकते, कभी लपो शकत नहीं, मसीह मसीह को ही बताता है, आई किसी किसी का साथ है, आप जितना ऐसा बोलोगे ना दीदी माजी माला तरी बहुन दीदी नमतो बोलायला पाहिजे होतं, माला तरी बहुन दीदी असं नमतो करायला पाहिजे होतं, है ना, ऐसा हम ऐसा आशा रखते हैं एक दूसरे से, लेकिन आप ऐसी आशा मत रखो, आगे मसीह आणि आपण अशी आशा ठेवतो एकमेकांपासून, तुम्ही कोणत्याही दृष्टीपासून अशी आशा ठेवू नका, प्रकाश में हे खुले गाई हे बात, आणि आपण प्रकाशामध्ये आहोत आणि असे सर्व गोष्टी आहे ते उघडण्यात येते, कुछ बातें जैसे बाइबल में लिखा है हमें कुछ कुछ बातें, जैसे कोई फैमिली में कुछ हो गया तो हम खास बोलते सेवकों को कि एक दूसरे को मत बताओ, आणि जर कोणी सेवक को भी मत बताओ, आणि जर कोणत्या कुटुंबामध्ये काही झालं आम्ही त्या सेवकांना खास सांगतो, तुम्ही तुमच्या घरी किंवा जे सेवक लोक आहेत त्यांना सुद्धा सांगू नका, खास होते दुसरे सेवक को भी नहीं बताए, अगर तुम्हें मालूम पड़ा ठीक है तुम तो बताओ, लेकिन किसी को मत बताओ, आणि जर तुम्हाला माहिती पडली नाही तर ठीक आहे तुम्ही तुमच्यापर्यंत किंवा दुसऱ्यांना सांगू नका, खास कुछ आज्ञा दी है सेवकों को, आणि काय आपण सेवकाला दिले तरी आहे, देखो उसको भी पूछो तू कभी सेवा का बात घर में बताई नहीं, उसके घर में भी वो कभी नहीं बता देगी, मैं कभी कभी फोन करके पूछती थी नीलम अरे गर्जन सांगित नहीं का नहीं आम तो कहीं सांगत नहीं थी, फिर मैं बताती ऐसा हो गया तो ऐसा ऐसा तुम लोग करोगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताते मैं ना सेवा में थी बस कभी आई ना सांगित छोटा भाऊ अरे आज आम्ही सेवेला गेलो असं झालं, आमचं आमच्या चर्चमध्ये शनिवारच्या सेवेला असं झालं, कधी सांगितलं कभी नहीं, दोनों दासियों ने कभी नहीं बताया, आणि या दोघींनी सुद्धा कधीच सांगितलं नाही, हम पछाणी बोलत होतो, आणि कुछ भी होता है अंदर हमारे आपस में हम सेवक है, सेवा करते समय कभी कभी कुछ सेवकों से कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हम फैलाते नहीं, आणि सेवकांकडून सुद्धा काही गडबड होते आम्ही ती पसरवत नाही, ये जरूरी है आणि गरजे घर में नहीं पता अभी बोलता है आम्ही आईला नाही सांगणार तुम्ही कोणाला सांगणार, ती कोणतं सेवक आहे ठीक आहे ती सेवक आहे, आता नीलम सेवक आहे, नीलम सेवक नाही तू घरी का नाही सांगितलं नीलमला, कुछ बातें नहीं बताने देते दूसरं तुझी आई सेवक आहे अश्विनी ताई पण तू का नाही सांगितलं तुझ्या आईला, हां नीट ऐका नीट ऐका सांग पूर्ण सांग, तिच्या मनामध्ये कडवपणा आणि राग आहे आणि तू काय सांगितलं काही गोष्टी जसं तुमची आई तुम्हाला मारते की तुम्ही बघू नका माझी आई मला मारलो माझ्या आई मारलो सांगत नाही अच्छा नाही आहे काय चांगलंय का दीदीची आई आधी दिखती चांगलं आहे आणि दीदीच्या आईने असं केलं दीदीला मारलं तिला मला किती लोक म्हणायचे इस्त्रोला का मारलं किती लोक येते की आम्ही इस्त्र कुठे मारते मारू नका मारू नका आलो मारत नाही मार नसल्यामुळे मुलं बिघडतात और मार होने के कारण जो बच्चे हैं वो बिघडते मुलांना पुन्हा मारायला चालू केलं और इसी कारण मैंने बच्चे को कैसे मारने की शिकायत ही मारायला चालू केली ऐसे भी मारने के लिए शुरू किया है का भाग पाई और क्यों जो डर थे बुजुर्ग मेरे भीती ना सी ना और अगर बच्चों में डर नहीं हो गया ना खास तो मुली मुलान मुली मुला बेशिस तो होता उल्टा होता मुला नंतर नीच मुला कठोर रीति ने वागा लगे तो मुझे क्या सही है उन्होंने तो इंजाम ने भीती असली पाई और इनके अंदर डर होना चाहिए मुली मुझे भय से पाई का मैं अपना नाम बदनाम करना और लड़कियों के अंदर डर होना चाहिए वो अपने नाम को बदनाम नहीं करेंगे उन्होंने किला को मर जाते काय फक्त ऐकून दे
तुझे पाय तोडून टाकेल, तुला भाजवेल मी, तुझ्या पायाला चटके देईल, तुझ्या जिभेला चटका देईल, तोंडातून गोष्ट बाहेर काढा. का भीती असली पाहिजे, ऑलरेडी काही गोष्टी कंट्रोल ठेवायच्या, ऑलरेडी बातें कंट्रोल नाही होण्याची आहे. भीती नसल्या ना मुलांमध्ये तर ते बिघडतात. हरशात बच्चों में डर नहीं होना वो बिघड़ जाते हैं. आपल्या देवाचं भय म्हणून आपण बिघडत नाही. हर जसं आपलं भय मुलांमध्ये असेल तर मुलं बिघडत नाही. हर जर हमारा भय बच्चों के अंदर होगा तो वो लोग बिघडेंगे. प्रेम करा और प्रेम लगा करो कि तुमची भीतीच नाही. और ये ना प्यार मत करो कि आपका उनके अंदर डर ही नहीं. बोलना नाही. और आपको नहीं कहा कोई हरकत नहीं काटे पाहिजे कोणाने. नाही म्हणता तिने केलं की चोखलंच पाहिजे. और नहीं कहने की बात अगर लोग करते तो उनको मारना चाहिए. हम खुले में है इसलिए बोला ही जाएगा, प्रकट होगा ही. इसलिए आप कभी भी याद रखो चुपके से पाप कभी मत करो. आगे बढ़ तुम्हें दर्शन दिवा कर दिए तुम्हें लगन पाप करो ना. इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है कि पाप की सजा हमें बीमारी मिली है. आगे बढ़ फार गरजे चाहिए पाप की शिक्षा है क्या मेरा मृत्यु है. अभी इसके लिए चंगा होने के लिए कुछ बातें हुई यहाँ पर. आगे बढ़ो हमने सर कितने भाई गोष्ठी देने कर दिया है. जी यहाँ पर दिया है कि वचन के द्वारा हमें चंगा करता है. आई तो देना मिलेगा है कि वचन से द्वारा तो आपके आरोग्य देते हैं. सही तो 160 में हमने पढ़ा. आई तो सही तो आदि 107 में हम बात करें. दूसरा निर्गमन अध्याय 23 उसके 25 वचन में पढ़ेंगे. जो आई तो दूसरा निर्गमन अध्याय 23 से 25 वचन में बात करते हैं. 110 निर्गमन 110 निर्गमन 23 अध्याय 23 और उसका 25 आई का 25 तो आपका देव परमेश्वर याची सेवा करा दे. म्हणजे तो तुझ्या अन्न पाण्यास बरकत दे. मी तुझ्यामधून रोग राई दूर करेल. काय लिहिले आहे, जब तू यहोवा की उपासना करेगा. आणि जेव्हा तू देवाची उपासना करशील. जेव्हा तू उपासना करते हे आणि जेव्हा तू उपासना कर परमेश्वर आणि रोग दूर रोग हमारे अंदर से दूर करता. आई नो आपल्यामधून जे रोग आहे त्यांना दूर करतो. क्योंकि जब हम उपासना करते तो अंदर हमारे जो पवित्र आत्मा है जो शुद्ध जल प्रभु ने हमें दिया है. आणि जेव्हा तू उपासना करतो आपल्या आत्मा जो पवित्र आत्मा आहे जो शुद्ध जल आपल्या आत्मा दिया दिया जाता है. आई तो काय बोलतो हिल जाता. आई बनतो वो हिलने से पानी हिलने से क्या होता है. आई पानी हिलने से गाय का होता है चंगाई. आई आरोग्य जो हमने भी पढ़ा था ना जॉन चैप्टर में. आई जब यहाँ आगे हमारी बात है सदा ये जो कुंड में पानी हिलता था. आणि वैसे जर पाणी जो कोणता आहे तो हलायचा लोक चंगे होत जाते. आणि लोकांना सुद्धा आरोग्य दुसरे जेव्हा उपासना करते हो. आणि त्याच रीतीने जेव्हा तुम्ही उपासना करता उपासना करणे के समय पर आपके अंदर का जो शुद्ध जल आहे जो यीशू ने आपको दिया पवित्र आत्मा वो क्या हो जाता है हिल जाता है जागृत हो जाता है. क्योंकि जब जब आप उपासना करते हो पवित्र आत्मा जागृत हो जाता है सचेत हो जाता है प्रज्वलित हो जाता है और वो आपको चंगाई देने लगता है. आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही उपासना करता तुमच्या आत्मा जे शुद्ध जल जे पवित्र आत्मा आहे तो जागृत होतो आणि तो तुम्हाला आरोग्य देतो. इसलिए उपासना के समय पर जब आप बोलोगे ना जैसे भी मैं थोड़े समय पर बोलती हूँ प्रभु मुझे पोता दूसरे पर या फिर आप प्रभु को बोल सकते हो प्रभु आपको चंगाई देता है. उपासना एक ऐसा साधन है जिस समय परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है. आणि उपासना एक असं साधन आहे ज्यावेळेला देव तुम्हाला आरोग्य देतो. इथे जो उपासना के गीत चालू देते आणि म्हणून जेव्हा उपासनाचे गीत जेव्हा चालू असतात कोणी गाणं आणि कोणतंही गाणं धन्यवाद देता हूँ तुझको. अगर अभिमान हो उस समय बोल सकते प्रभु या आजारा सुबह में जाने वाले तो मुझे ऐसा वर्ष जो भी गाना चालू देगा गाना चालू रहेंगे तो वो कोयल गाता रहेगा दूसरे लोग भी गाते रहेंगे. हम हमारी बीमारी को समय बोलने का राजा तुझे वो लाली ये पाए बोलो कर ले ठंडा माता दिया पाया ना यार आज आवाज पाए ले साधा ना नमू नमू बोलो या जो भी तकलीफ है आई जी का ही ड्रग्स का प्रॉब्लम है आई बोलते ऐसा प्रॉब्लम है या जो भी तकलीफ है आई तो जी खाना नहीं जा रहा है आई जी बस जाते हैं. उपासना के समय पर आई तो उपासना से वेला उस समय चंगाई ले सकते आई क्या वेला तुम्हें आरोग्य घेऊ शकता.
अनुभव अपने लिए भी आई सोलह सुना आई दूसरे सारी सुनना क्योंकि उपासना एक ऐसा समय है जब प्रभु आपको चंगाई देता है आणि उपासना एक अशी वेळ आहे ज्या वेळेला प्रभु तुम्हाला आरोग्य देतो दुसरा उपासना एक ऐसा समय है जब आपके अन्न जल पर आशीष देता है आणि दुसरा उपासना एक अशी वेळ आहे प्रभु तुमच्या अन्न जलावरती तुम्हाला आशीर्वाद देतो श्राप तुटता है आणि आशीष मिळता है आणि श्राप तुटून जातो आणि तुम्हाला आशीर्वाद देतो कभी भी स्तुति आराधना से पहले आया करो आणि म्हणून कधी कधी तुम्ही स्तुति आराधनेच्या पहिले या आराधना में आप क्या करो आप श्राप तोड़ भी लो जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ये श्राप है मूर्ति पूजा का श्राप है कोई नहीं इसका श्राप है आप प्रभु से खुद बोलो प्रभु मला ऐसा वाटतं पण तू आशीर्वाद देणार आहे मला आशीर्वाद देतो माझ्या फॅमिलीला मी आशीर्वाद देत आहे क्यों क्योंकि येशू मेरे लिए श्रापित आणि का कारण येशू माझ्यासाठी श्रापित येशू मेरे लिए गरीब हुआ आणि येशू माझ्यासाठी गरीब येशू मेरे लिए कंगाल हुआ आणि येशू माझ्यासाठी कंगाल येशू मेरे लिए बीमार हुआ आणि येशू माझ्यासाठी आजार झाला आणि तुम्ही अपने ऊपर ले आणि माझे जे सर्व व्याधी आहेत ते स्वतः पार होऊन जातात बीमारी सब कुछ अपने ऊपर ले आई बाप आई आजार बच्चे का ही आई थे सरों का ही इस बता रहे थे आशीष दिए आई थे यहाँ पे आप बता कर मौन करें आशीर्वाद दीजिए आप बस नहीं ऐसा है जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हो चंगे हो सकते हो आई बस नहीं कसम मार्ग आगे जैसा तुम्हारे तुम्हारा आरोग्य मृदु चलता है दूसरा तीसरा हम देखते हैं नीति वचन 17:22 में आनंदी मन आई जैसा नीति सूत्र 17:22 में आप पाते हो आनंदी मन आप जूनी जूनी बातें लेकर हमेशा दुखी मत हो आई तुम्हें जूनिया मुझे क्यों नहीं मिल रहा दुखी रहो ना का आपका मन आनंदित आई तो जो मन आए तुम्हें आनंद आप हमेशा ऐसा मुंह पर 12 बजाए ऐसा नहीं करो आणि अशा रीतीने करू नका मन आनंदित हो आणि जे मन आहे त्याला कुछ नहीं है तो भी आनंदित हो आणि जर काही नाही तरी सुद्धा आनंद हमेशा हसते रहो आणि नेहमी हसत रहा आपका मन स्वतंत्र होना चाहिए आपका मन आप मन से ये नहीं जी उड़ी ना अंदर से ऐसे ऐसे हाँ दीदी मुझे हंसे चल की ऐसा नहीं जैसे वो लाकर थोड़ा उल्टा है वैसा नहीं जी कुछ नहीं हुआ तो भी हाँ हाँ ऐसा वाला हंसी नहीं चाहिए लेकिन मन मुझे मन से आप खुश रहना चाहिए आई बात सुन के आनंदित असे अगर मन आपको बोलता है काय तुला भेटलं काय नाही भेटलं येशू तो भेटला ना नकारात्मक नहीं सोचना मन आई नकारात्मक तुम्हें मनाच्या बारे विचार करायचा नाही मन में जब अटैक दुष्ट करता है तो मन दुखी होता है आणि जेव्हा मनामध्ये शैतान वार करतो तेव्हा जे मन आहे ते दुखी असते मेरे साथी क्यों हुआ आणि माझं सोबत ऐसा ही क्यों हुआ आणि असंच मी इंतजार करती मी बघा आणि देवनी भक्ती करते ऐसा क्यों आणि मग असं का हम ये प्रश्न आने के बाद मन से ही बोलना बाबा जे काही झालं झालं आता रिटर्न जाऊ शकतो का नाही जाऊ शकत ना मग कशाला त्याच्यात दुखवत बसायचं जे पुढे होणार आहे चांगलं होईल चला या जगात कोण चांगलं आहे कुणी चांगलं नाही झालं माझी पूर अशी झाली मी अशी झाली माझा नवरा असा झाला माझ्या घरात झालं तर आपण काय करू शकतो रिटर्न जाऊ शकतो काय असतं रिटर्न जाऊ शकतो का रिटर्न जास्त रिटर्न जाऊन तो भाग चेंज करायचा असं रिव्हर्स असता तर सांगायचा उद्देश काय आहे की लोक काय तर आपल्या त्या गोष्टीसाठी आपण मन असं नाही विसर बोला
किंवा मी जेवली का नाही आठवण करावं लागते जेवली का नाही असं नको बोलू काय सर सांगायचा उद्देश प्रियानं आनंदी मन किंवा तिथे जसं लिहिले आनंदी मन सबसे बेस्ट औषध आहे आणि आनंदी मन आहे ते सगळं उत्तम औषध आहे काही झालं ना वाईट झालं तर मला धन्यवाद अरे जर गुलाबी वर धोबी करून की धन्यवाद उत्तम फूल आपण धन्यवाद अरे जर आपलं गुरु दे धोबी करून की धन्यवाद तर ते देव आजार पण आपल्या आयुष्यात येतात अजून बिमारी आम्हाला जिंदगीने आजार पण फायदा पण होती अजून एक लाभ होत आहे काय फायदा होतो माहिती वरच्या लाभ होत आहे हा वाचूया स्तोत्र संहिता 119 भजन संहिता आहे 119 67 त्याचं मी पीडित होण्यापूर्वी भटकत असे हा मी बिमार होण्याचे पहिले शिक्षा मिळण्याचे पहिले कायदा मिळण्याचे पहिले बिमार होण्याचे पहिले मी काय कर राहता किधर भटक राहता गाणं आहे ना आणि भटके भटक त्यावर पण एक आहे ना संसार में भटकते थे ये भटकने की आदत जो होती है ना वो हमारी निकल जाती है अगली भटकने के लिए सदै ऐसे अपनी लेकर जाते हैं मैं पीड़ित होने को भी भटक देते पर आता ही तुझे वचन पालता है हाँ अभी मैं तेरा वचन अब मैं तेरे वचन को मानने लगा हूँ क्यों मानने लगा हूँ फिर भी मुझे शिक्षा मिली बीमार हो गया ना अब नहीं तुमकी प्रभु काली आपण खोटं बोललो शिवी दिली निंदा केली तेव्हा जाऊन मी गाल चावला त्याच्यावर बदाम हा उपाय आहे पण लवकर बदाम होत नाही जर तुम्ही जोपर्यंत तोकडी करत जोपर्यंत मी बोलत नाही तेवढं मी चुकली प्रभू मला माफ कर आता मी दोन सभा आहेत आतमध्ये काय मेडिसिन लावणार करायचं मला ती मेडिसिन बिलकुल आवडत नाही जी मेडिकल स्टोरमधून घ्यायची त्याची लावायची काहीतरी सवय वास पण आपलं सगळ्यात बेस्ट बदाम असं असे होतं नाही बदाम चावायचं चावायचं तिथे लावायचं अशा बाजूने वस्तू द्यायला थोड्या वेळाने तुम्हाला खूप फरक जाणार कधी कधी तुम्ही गोळ्या खाता अर्क 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 कधी आपलं गोळ्या खाते खूप वरचं होतं पाटतं का नाही पाटतं मग त्यावेळेला बदाम खावा आणि तसं चावून चावून चिपकून टाका थोड्या वेळासाठी थोड्या वेळाने तुम्हाला फटकन कळत होईल मग पुन्हा दुसरी गोळी चुसून खावी काही काही गोळ्या चुसूनच चांगल्या वाटतात काही काही गोळ्या टाकडा काढाकडा चावल्या लागतात तर सांगायचा उद्देश आपलं भटकणं थांबतं हमारा भटकणं रुक जात आहे और हम क्या हो जाते आज्ञा पालन करने हो जाते अभी देखो सुशीला ताई जरा आज्ञा पालन जल्दी ज्यादा ज्यादा करने लगी क्यों बीमार नहीं गेलाय ना आणि का कारण आजारी पडायचं नाही सच्चे हम हमारी बीमारी जब हमारे ऊपर आ गई तो हम पाप करना छोड़ देते आणि जे आजार पण आपल्या वरती येतो आपण पाप करणं सोडून देतो तो इसलिए प्रिय आज हम शुद्ध जल वापस पिएंगे आणि म्हणून त्यांना आजार शोध जेल पुन्हा पिणार बिमारी केली आणि आजार पण श्राप धुतली गेली आणि श्राप धुतण्यासाठी शुद्ध जलने शुद्ध रक्त डाला जायगा येशू का लघू डाला जायगा आणि शुद्ध जलामध्ये येशूचं रक्त टाकण्यात येईल थोडंसं नमक डाला जायगा आणि थोडं वीट टाकण्यात येईल गाठीला नमक के जैसे हो जाए आई तो मीठा सा भी बना दे तो हमने जो इजेबेल में पढ़ा कि मैं तुझे शुद्ध जल छिड़कूंगा आई जैसे कि हमने जब वासन की पूजा वाली शुद्ध जल छिड़े तुम शुद्ध हो जाओ आई तो शुद्ध हो जाए तो जैसे बहुत सारे बीमारी व्यक्ति को प्रभु ने कहा तू शुद्ध हो गया आई तो सारे जो आसानी व्यक्ति है प्रभु कहना मारा तुम शुद्ध सारे 12 साल की रक्त स्त्राव स्त्री को कहा तू शुद्ध हो गई है आई 12 वर्षा पास जो रक्त स्त्राव स्त्री होती है शुद्ध मारा तुम शुद्ध सारे दुष्कर्मों से मुक्त हुए व्यक्तियों को प्रभु ने कहा तुम शुद्ध हो गए हो आई जो दुरात्मा पास मुक्त सारे व्यक्ति होती प्रभु कहना मारा तुम शुद्ध सारे उसी से प्रियो आज हम इस श्राप को शरीर और आत्मा को जो श्राप है
उससे बंधन हम तोड़ेंगे। शरीर आणि आत्म्याचे काही बंधन आहे ते आपण तोडणार और हम शुद्ध जल का प्रार्थना करें आणि आपण शुद्ध जलाची प्रार्थना करणार। हालेलुया हालेलुया। आपण खड़े हो जाएंगे ते आपण सर्वजण उभे राहणार आणि दोनों हातों को जोड़ेंगे आणि आपण आपले दोन्ही हात जोडणार और जो मी बोलती हूँ मेरे पीछे होगा आणि जे काही मी बोलती हूँ माझ्या पाठीमागे बोलणार। फिर आज से बुरा काम गलत काम क्षमा करोगे दया करोगे बातें भजन करोगे हम आपको बंद करेंगे अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और आपको जो जो बीमारियां है अपने मुंह से बाद में आपको बोलना है आप कहाँ कहाँ कौन सी बीमारी है अगर थायराइड में हो डायबिटीज है शुगर है बीपी का प्रॉब्लम है हो या ना है दोनों भी या सर्दी आपको बार बार होती रहती है खांसी है आपको बाद में जब मैं आपको बोलूँगी उस समय आपको बताना है अगर आपके पैर में दर्द है वो भी बताना है आपको जो जो बीमारियाँ से आपको पीड़ा मिली है शिक्षा मिली है श्राप उतरा है उस श्राप को आपको तोड़ना है। ठीक है प्यारे पिता यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ पिता पिता आज मुझे सच्चाई मालूम हो गई कि आदम हव्वा से मैं भी पाप मुझ में और साथ साथ बीमारी का श्राप मृत्यु का श्राप मेरे प्राण के अंदर है मेरे प्राण के अंदर है यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मृत्यु का श्राप यीशु मसीह ने तोड़ दिया है लेकिन फिर भी जब जब मैं पाप करता हूँ आगे उल्लंघन करता हूँ विधि को नहीं मानता तेरा तन मन से वचन नहीं सुनता तेरे नजरों में जो ठीक है पालन करता हूँ तब मुझे शिक्षा मिलती है मेरे इसी खून में पाप जागृत होता है और यही पाप मुझे बीमार लगता है और गए कुछ दिनों से सालों से मैं बीमारी को उठा रहा हूँ मेरे पापों के कारण शैतान ने मुझे बीमार बना दिया सिर्फ शरीर नहीं आज मुझे सच्चाई मालूम हुई मेरा आत्मा भी बीमार है आज मुझे इन दोनों को चंगाई प्राप्त करा मेरा प्राण तरोताजगी से आनंदित से भर लेना है इसलिए मेरी इच्छा को बदलना है मेरे अंदर मेरी खुद की इच्छा करने की इच्छा इसको मेरे प्राण से निकाल देता हूँ मेरे प्राण को मुक्त करता अपनी मनमर्जी से चलना यीशु को दुखाना आनंदन करना मन में दुखी रहना आनंदित नहीं रहना और भावनाओं में हमेशा पूरी रहना दुखी रहना दूसरों को देखकर अपने जीवन को तुच्छ करना आज मैं इस भावना से अपने आप को मुक्त करता हूँ और अपने आप को खास करके मेरे प्राण को मन इच्छा भावना को मुक्त करता हूँ मेरा मन मसीह का मन घोषित करता मेरे अंदर प्रभु की इच्छा पूरा करने वाली इच्छा है मेरी भावनाएं पॉजिटिव है सकारात्मक है धन्यवाद देगा पिता कुछ सालों से महीनों से मैं बीमार इस श्राप से मैं ग्रसित हूँ अभी कौन से नहीं हुआ बोल सके J.
इन सारे श्रापों को यीशु के ऊपर डाल देता हूँ। यीशु मेरे लिए श्रापित हुआ। यीशु की आशीष, यीशु की चंगाई, यीशु की मुक्ति, यीशु का जीवन प्राप्त करो। इस वचन के अनुसार स्वीकार करता हूँ। शरीर आत्मा के ऊपर आया हुआ बीमारी का श्राप का सारा अधिकार तोड़ देता हूँ और मेरे शरीर को और मेरे शरीर आत्मा को मुक्त करता हूँ। शरीर में आत्मा में चंगा हो गया। मेरी हड्डियाँ मेरा खून मेरी त्वचा मुक्त हो गई है। मेरा आत्मा मेरा विवेक मेरा सशस्त्र विवेक बुद्धि मुक्त हो चुका है। परमेश्वर से वार्तालाप करने वाला केंद्र बिंदु हो चुका है, मुक्त हो चुका है। मेरा आत्मा बीमार नहीं। इसीलिए यीशु के नाम से यीशु के लहू से और यीशु के शुद्ध जल से पवित्र आत्मा से अपने आप को शुद्ध करता हूँ। जैसे वचन ने कहा है आओ हम अपने आप को शरीर आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध करें। यीशु के शुद्ध जल से प्रार्थना से वचन से यीशु के लहू से प्रार्थना के द्वारा पाप कबूलीकरण के द्वारा क्षमा प्राप्त करने के द्वारा आज मैं शुद्ध हो गया। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करूंगा। आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ बुराई का पाप का अंधकार की शक्ति का मृत्यु का लालच का व्यसन का कोई अधिकार नहीं। व्यभिचार का मूर्ति पूजा का तिरस्कार का निंदा का निंदा का झूठ बोलने वाला देवगढ़ का अधिकार मुझ पर नहीं। मैं डिक्लेयर करता आज से बुराई का कोई अधिकार नहीं। मैं मसीह का मैं पाप नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा मुझे पाप करने नहीं देगा। अपनी मनमर्जी से शैतान के चालों पर चलने नहीं देगा। आज से पवित्र आत्मा तू मुझे चलाएगा। पवित्र आत्मा विशुद्ध जल पीने पर मेरे भीतर वास करने वाले सारी मलिनता अशुद्धता दूर हो जाए। यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु का दास शुद्ध जल यीशु का लहू मुझ पर छिड़केगा शुद्ध होने के लिए मुझे सहायता कर शुद्ध जीवन आज से बिताने के लिए मुझे सहायता कर आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। आप जो भी गलत काम करते हो, कमजोर हो, प्रभु को बोलो आज से मैं नहीं करूँगा। अगर आप तंबाकू खाते हो तो बोलो आज से मैं नहीं खाऊंगा। एक कुछ भी मुंह में बिल्कुल नहीं डालूंगा, घूमनी वस्तु मुंह में नहीं डालूंगा। अगर आप व्यसन करते हो वो भी बोलो कि प्रभु मैं नहीं करूँगा। आप गाली देते हो तो बोलो प्रभु मैं नहीं करूँगा। आप झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, बुराई करते हो, बोलो आज से मैं नहीं करूँगा। आप जो जो कमजोरी या जो भी आप गलतियाँ करते हो बोलो मैं आज से नहीं करूँगा। आज ये शुद्ध जल मुझे शुद्ध करेगा मेरे से अशुद्ध निकाल देगा। जैसे प्रभु का वचन कहता है हमारे बीच से अशुद्ध वस्तुओं को निकाल दो।
निकाल डालो, उनके बीच में से निकलो अलग रहो। आज हम उनके बीच से निकल रहे हैं। वो हमारे बीच से अंदर से निकल जाए और अलग हो जाए। कभी भी मेरे अंदर नहीं आए। धन्यवाद। यीशु के नाम से बीमारी का श्राप, मृत्यु का श्राप मेरे ऊपर से टूट गया है। अब मैं श्रापित नहीं, मैं आशीषित, छुटकारा पाया हूँ, आशीषित। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु, इनके कन्फेशन के द्वारा आज इनके ऊपर आए हुआ सारा श्राप, प्रभु इनके शरीर आत्मा प्राण अंगों के ऊपर आए हुए श्राप, मैं आज कैलवरी क्रूस पर यीशु मसीह पर डाल देती हूँ, जहाँ यीशु मसीह इनके लिए मेरे लिए श्रापित हुए, कि यीशु का आशीष मिले। आज मैं इस वचन को डिक्लेयर करते हुए इन्हीं सारे बंधनों से मुक्त कर छुटकारा घोषित करके और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाकर जीवन घोषित कर और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाकर प्रभु उद्धार घोषित कर यीशु के नाम से प्रभु इन्हें मुक्त घोषित कर और आज से प्रभु इनके ऊपर इनका शरीर आत्मा प्राण यीशु के नाम से छुड़ाया गया। ये बीमारी इनके अंदर से निकल जाए, इनका आत्मा चंगा होने पाए, इनका शरीर चंगा होने पाए, इनका प्राण चंगा होने पाए, इनके तीनों भागों में लगी हुई बीमारी को यीशु नासरी के नाम से निकल जाए, यीशु नासरी के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते और छुटकारा घोषित कर दे। ओ रखा नमा सतारा भक्ता नमा अशुद्धता से दूर हो जाए, इनमें से निकल जाए तो प्रभु इनके अंदर से अशुद्धता प्रभु निकल जाए और उसमें से अलग हो जाए, प्रभु इनके शरीर को प्राण को आत्मा को छोड़ कर जाए और जैसे आत्मा को चंगाई के लिए आज इन्होंने प्रार्थना किया वैसे ये शुद्ध जल अंदर जाएगा, इनका प्राण और आत्मा चंगा हो जाने के लिए भला स्वस्थ निरोगी हष्ट पुष्ट होने के लिए तो मदद करना, घोषित करती प्रभु अभिलाष शुद्ध हो गया डिक्लेयर करती आंखों को बंद करो हाथ जोड़ो मैथ्यू चंगा हो गया शुद्ध हो गया मैथ्यू शुद्ध हो गया ये मैं डिक्लेयर करती हूँ। अशुद्धता की सारी बातें प्रभु इनके बच्चों के अंदर से निकाल रहे यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता रूप शुद्ध हो गए घोषित करते हूँ। आइज़ैक शुद्ध हो गया घोषित करते हूँ प्रभु। यहेज़केल शुद्ध हो गया घोषित करते हूँ प्रभु। हारून यीशु के नाम से शुद्ध हो गया है। एलिशा यीशु के नाम से शुद्ध हो गया है। मैरी यीशु के नाम से शुद्ध हो गई है प्रभु। पीटर यीशु के नाम से शुद्ध हो गया है प्रभु। प्रभु अनोक यीशु के नाम से शुद्ध हो गया है। इन सब बच्चों को मैं प्रभु तेरा दास होने के नाते डिक्लेयर करती हूँ ये शुद्ध हो गए। इनके पूर्वजों से
जो कुछ बंधन श्राप इनके ऊपर उतरा है वो सारा मैं यीशु के नाम से तोड़कर आज से इन्हें कभी भी इनके माता पिता को जो भी बीमारियां व्याधियां हैं जो कुछ इनके माता पिता के जीवन में हुआ ये इनके जीवन में कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं, इन्हें आगे कभी भी इन परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ेगा जो इनके माता पिता गुजर रहे हैं या इनके दादा दादी गुजरे हैं। यीशु के नाम से मैं घोषित करूँ इन सब बच्चों को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, और जैसे ये शुद्ध जल पी रहे प्रभु, जैसे ये शुद्ध जल पी रहे पवित्र पिता इन्हें शुद्ध कर दो। यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता तू इन्हें शुद्ध कर दो। पवित्र सेनाधीश परमेश्वर राजा प्रभु ये शुद्ध जल पीकर पवित्र पिता ये शुद्ध होने पाए, इनके अंदर मसीह का लहू और ये शुद्ध जल हमेशा डिक्लेयर करेगा और उस पाप को रोके रखेगा, उस बीमारी को इनके ऊपर आने नहीं देगा। आज से इनके ऊपर बीमारी का अधिकार नहीं, सर्दी खांसी बुखार कभी ये पीड़ित से इसमें से ही ग्रसित नहीं होंगे, इनको कभी भी डायबिटीज नहीं होगा, इन्हें कभी पाइल्स नहीं होगा, इन्हें कभी भी प्रभु डायबिटीज नहीं होगी, इन्हें बीपी का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, इन्हें कभी थायराइड नहीं होगा, इन्हें कभी भी नाना प्रकार के शरीर की हड्डियों की तकलीफ इन्हें नहीं होगी, ये सब इस अभी इसी घड़ी मुक्त हो गया यीशु के नाम से। तेरा वचन कहते हैं जिसे मैंने शुद्ध कहा उसे तुम अशुद्ध न करो, तो मैं आज से डिक्लेयर करती हूँ ये बच्चे शुद्ध है। कलीसिया कहे शुद्ध है, बच्चे शुद्ध है, जॉय शुद्ध है, अभिराज शुद्ध है, मैथ्यू शुद्ध है, आइज़ैक शुद्ध है, एरन शुद्ध है, अनोक शुद्ध है, पीटर शुद्ध है, एज़ेकेल शुद्ध है, एलिशा शुद्ध है, रूथ शुद्ध है, मैरी शुद्ध है, नोआमी शुद्ध है। यीशु के नाम से कलीसिया ने डिक्लेयर किया ये शुद्ध है, इसलिए अशुद्धता तुझे हम मानते हैं, इन्हें छूना नहीं, तुझे धमका दे और तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सियोन कलीसिया का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा यीशु के नाम से। आमीन। अभी जवान आ जाए, जो जवान ने उनकी शादी नहीं हुई शुद्ध किया है, वैसे आसियोन कलीसिया प्रभु इन जवानों को भी आपके हाथों में ले दी यीशु के नाम से प्रभु, क्रिस्मिला शुद्ध है प्रभु, प्रार्थना शुद्ध है प्रभु, पवित्र पिता धनश्री शुद्ध है प्रभु, पवित्र पिता रीतिका शुद्ध है प्रभु, पवित्र पिता रानी शुद्ध है प्रभु, मयूरी शुद्ध है प्रभु, पवित्र पिता रेशमा शुद्ध है प्रभु, पवित्र पिता जागृति शुद्ध है प्रभु, इसलिए आज इन जवानों को प्रभु आज यीशु नासरी के नाम से शुद्ध करते प्रभु, और सारे अंधकार की शक्ति का प्रधानताओं का हाकिमों का अधिपति का न्यायियों का सारा अधिकार तोड़ देते, जवानी को जवानी के दिनों में अशुद्ध करने वाली जवानी के दिनों में अशुद्ध करने वाली अशुद्ध स्पिरिट को आई कमांड यू लिव दिस बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस, इनके शरीर इनके प्राण इनके आत्मा को छोड़ के जाए, इनके शरीर प्राण आत्मा को लगी हुई एक एक बीमारी को मैं यीशु के नाम से उतर जाने दिया जाए, आज इनके ऊपर से सारा श्राप मैं तोड़ देती हूँ और यीशु के नाम से, यीशु इनके लिए श्रापित हुआ तो अब यीशु जैसे जवानी के दिनों में शुद्ध रहा ये भी जवानी के दिनों में शुद्ध रहे, पवित्र वचन को अंदर रखने के द्वारा शुद्ध रहे, पवित्र पिता आज से ये शुद्ध है, इसलिए अशुद्धता तुझे बांधे इनके नजदीक नहीं आना, निकलो इनके अंदर से और इनसे अलग रहो यीशु के नाम से, तुम्हें धमका दे और इन्हें पवित्र पिता प्रभु ईश्वर के ऊपर भी हम शुद्ध जल छिड़कते हैं और उसे भी डिक्लेयर करते हैं कि ये शुद्ध है, और सारी अशुद्धता मलिनता जवानी के दिनों में आने वाली अभिलाषा को पाप में गिराने वाली अभिलाषा को निकाल देते हैं और इसके करीब भी नहीं जाना धमकाते, इन सब तेरे जवान लड़कों तो आज आए नहीं प्रभु, उन लड़कों के साथ साथ इन सारे लड़कियों को जो कलीसिया में और भी उन्हें भी हम डिक्लेयर करते हैं इनके साथ और प्रभु इन्हें डिक्लेयर करते शुद्ध है और इन्हें प्रभु हम शुद्ध जल पिला दे रहे हैं यीशु के नाम से, मेरे मान पवित्र पिता प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से जैसे ये शुद्ध जल अभी पिएंगे प्रभु इनके भीतरी भाग मेरे जीवन देने वाले उद्धार पवित्र पिता इन्हें भीतरी भागों से पवित्र पिता इनका आत्मा
इनका प्राण इनका शरीर शुद्ध होने पाए फिर हो जाए। यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये प्रिय है, इसलिए भीतरी भाग आत्मा शुद्ध है। इसलिए मैं आज से डिक्लेयर करती हूँ कि ये शुद्ध है। तो प्रभु ने जैसे कहा, जिसे मैंने शुद्ध कहा है उसे कोई भी अशुद्ध नहीं करे। तो इसलिए ब्रिस्मिल्ला शुद्ध है, प्रार्थना शुद्ध है, धनश्री शुद्ध है, रेटिका शुद्ध है, रानी शुद्ध है, मयूरी शुद्ध है, रेशमा शुद्ध है, जागृति शुद्ध है, एस्तर शुद्ध है। तो प्रभु आज से हम डिक्लेयर करते हैं ये शुद्ध है, इसलिए पवित्र लहू के तले और शुद्ध जल के तले इन्हें लाया है और पवित्र आत्मा इन्हें हमेशा शुद्ध रखे यीशु के नाम से। आमीन। कुछ सुनाइए मेरे महान पवित्र पिता और यीशु के नाम से, मेरे महान पवित्र पिता कलीसिया सियोन कलीसिया आज इनके अंदर से सारी अशुद्धता मलिनता अपवित्रता निकाल कर आज डिक्लेयर करते हैं। इनके शरीर प्राण आत्मा को शंगाई रिलीज करते हैं, इनका प्राण आत्मा जो बीमार है अंदर से वो दूर करते हैं और शरीर की व्याधियों को भी कलवरी क्रूस पर डालकर यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। अच्छा यह शुद्ध है, स्वप्न शुद्ध है, विनय भाई शुद्ध है, यीशु के नाम से प्रभु इन्हें हम डिक्लेयर करते हैं कि ये शुद्ध है। इसलिए सारे इनके अंदर से सारी अशुद्धता को जो इन्हें अशुद्ध करती है, पाप में गिराती है, व्यसन में ले जाती है, अशुद्ध मलिनता की बातें कराती है, इनके अंदर से निकल जाने की आज्ञा देंगे। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से निकल और पवित्र आत्मा को रिलीज कर दे। पवित्र आत्मा इनको शरीर से प्राण से आत्मा से चंगाई रिलीज कर दो और इन्हें प्रभु शुद्ध जल देते हो, यीशु का लहू पीने के लिए देते हो। अच्छा ये शुद्ध जल और यीशु का लहू है जो इन्हें पीना है। पियो प्रभु, जैसे ये पी रहे हैं इनके अंदर जैसे शुद्ध जल गया है और यीशु का लहू गया है तो सारी बीमारी के श्राप तोड़ देते हैं, सारी अशुद्ध बातें इनके अंदर से निकाल देते, सारी मलिनता आज से इनके अंदर से निकाल देते और इनके आत्मा को चंगाई रिलीज करते, इनके आत्मा को छुड़ा के तो शरीर प्राण आत्मा को छुटकारा घोषित करते। और जैसे प्रभु आपने कहा ना, जैसे मैंने कहा तुम शुद्ध हो तो तुम शुद्ध है। तो प्रभु यीशु के नाम से कलीसिया के लिए अचया शुद्ध है, स्वप्न शुद्ध है, विनय भाई शुद्ध है। तो जो कलीसिया ने उन्हें कहा ये शुद्ध है तो ये शुद्ध रहेंगे और आज से ये कभी मलिन नहीं होंगे। धन्यवाद देते आपका लहू लगा के यीशु के नाम से। आमीन। तो यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, प्रभु आपकी इन दासियों को जो आपकी पत्नी है आप उनके पति हो, प्रभु आप उनके चरवाह आप उनके बच्चों के पिता हो, आज इन तेरी दासियों को आपके हाथों में दे दे। और यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं शादाताई शुद्ध है प्रभु, मेघा शुद्ध है प्रभु, पवित्र पिता प्रतिभा शुद्ध है प्रभु, यशोदा मौसी शुद्ध है प्रभु, यीशु के नाम से डिक्लेयर करते इसलिए इनके शरीर प्राण आत्मा को आज मुक्ति घोषित करते, शुद्ध डिक्लेयर करते, बीमारी के सारे श्राप कलवरी क्रूस पर डाल दे, गरीबी के सारे श्राप कलवरी क्रूस पर डाल दे, व्याधियों के सारे श्राप मृत्यु के सारे श्राप कलवरी क्रूस पर डालकर इन्हें मुक्त करते हैं और यीशु के नाम से आज उनका शरीर प्राण आत्मा छुटकारा पाया है घोषित करते। और जैसे आज इन्हें शुद्ध जल दे रहे हैं प्रभु पवित्र पिता, जैसे ये शुद्ध जल आज पिएंगे पवित्र पिता जिसमें यीशु का लहू मिला हुआ है, यीशु के नाम से मेरे मन पवित्र पिता ये शरीर प्राण आत्मा में शुद्ध हो जाए, पीए शरीर प्राण आत्मा में शुद्ध हो जाए। इनके शरीर प्राण आत्मा को अशुद्ध करने वाली बातों को निकाल देते हैं और इन्हें मुक्त करते हैं और कलीसिया डिक्लेयर करते हैं शारदाताई शुद्ध है, सब बोले शारदाताई शुद्ध है, मेघा शुद्ध है, प्रतिभा शुद्ध है, यशोदा मौसी शुद्ध है। जब कलीसिया और यीशु मसीह ने कहा है तुम शुद्ध हो तो तुम्हें कोई अशुद्ध नहीं कह सकता। धन्यवाद देते यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु आपके सामने आते मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु इन स्त्रियों को आपके हाथों में देते प्रभु, ये स्त्री आपकी बेटी है प्रभु,
जिसको आपने चुना है प्रभु इस संसार में प्रभु शुद्धता में चलने के लिए। इसलिए मैं आज यीशु के नाम से प्रभु इन्हें शुद्ध डिक्लेयर करती हूँ और यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता मेरे घर के ऊपर प्रभु यीशु का लहू छिड़क कर प्रभु यीशु के नाम से कहती हूँ शुद्ध है प्रभु। प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर राजा छाया के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से शुद्ध है। निशा के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर शुद्ध करती हूँ। टीना मौसी के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर शुद्ध करती हूँ। पवित्र पिता नीलम के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर प्रभु जोसेफ के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर प्रभु यीशु दीपाली के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर डिक्लेयर करती हूँ कि ये शुद्ध है और पवित्र पिता। इसलिए आज से इनके शरीर प्राण आत्मा को अशुद्ध करने वाली बीमार करने वाली इन्हें खोखला करने वाली इन्हें बार बार बीमार गिराने वाली हमेशा हमेशा डॉक्टरों के पास लेके जाने वाली स्प्रिट को मैं यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। निकलो इस शरीर से निकलो इस आत्मा से निकलो इस प्राण से आज से ये शरीर प्राण आत्मा मुक्त हो गया। इसलिए आज जैसे शरीर बाहरी तौर से वैसे भीतरी भागों से आज इन्हें शुद्ध जल देकर मैं यीशु के नाम से प्रभु जैसे ये शुद्ध जल पिएंगे प्रभु पवित्र पिता ये डिक्लेयर करते हैं मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता प्रभु जैसे ये शुद्ध जल पवित्र पिता ये पिएंगे पियो जैसे ये शुद्ध जल अभी ये पी रहे तो यीशु नासरी के नाम से इनके अंदर से जो इनके आत्मा को बीमार कर रही थी निर्बल कर रही थी इन्हें बढ़ने नहीं दे रही थी ब्लेसिंग देने नहीं दे रही थी इनके प्राण को दुखी रखी आज इनके अंदर से निकल जाने की आज्ञा देते सारी अशुद्धता दूर कर देते हैं और सारे श्राप दूर गए डिक्लेयर करते हैं और ऐसे घोषित करते हैं कि ये शुद्ध नहीं करना तूने खुद कहा है जिसे मैंने शुद्ध कहा है उसे कोई अशुद्ध न करे। तो यीशु के नाम से कोई अभिता मेगा परिसिया कहे शुद्ध छाया शुद्ध निशा शुद्ध दीपाली शुद्ध जोसेफ शुद्ध नीलम शुद्ध हीरा मौसी शुद्ध यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ ये शुद्ध है इसलिए अशुद्धता इनके करीब कभी नहीं है यीशु के नाम से तो आपने ग्रहण किया है और प्रभु पवित्र पिता जिसको तूने चुना है प्रभु पवित्र पिता वो अशुद्ध कैसे रह सकते हैं आज इनके अधर्म के कारण पापों के कारण आज ये भीतरी भागों में भी प्रभु बीमार है। इसलिए आज मैं यीशु के नाम से शुद्ध जल से आज अनिता के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर शुद्ध है घोषित करते हैं प्रभु पवित्र पिता। प्रियंका के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर प्रभु डिक्लेयर करते हैं। रजनी के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर रजनी शुद्ध है डिक्लेयर करते हैं। प्रतिभा के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर डिक्लेयर करते हैं कि वो शुद्ध है। प्रभु पवित्र पिता कुसुम खंडागढ़ के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर डिक्लेयर करते हैं शुद्ध है। फातिमा के ऊपर यीशु का लहू छिड़क कर डिक्लेयर करते हैं कि वो शुद्ध है। यीशु के नाम से इनके शरीर प्राण आत्मा को बीमार करने वाली श्रापित आत्मा को इन्हें जकड़ कर बीमार रखने वाली प्रभु से आशीष न देने वाली इनकी उन्नति न कराने वाली अशुद्ध आत्मा को यीशु के नाम से निकाल देते हैं और इन्हें मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ। तो जैसे बाहरी तौर से शरीर को शुद्ध बोला है तो भीतरी भागों से भी आज मैं इन्हें प्रभु शुद्ध जल लेकर प्रभु घोषित करती हूँ जैसे ये पिएंगे प्रभु शुद्ध जल जैसे पिएंगे प्रभु ये शुद्ध होने के लिए तू मदद करना। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता सेनाधीश पिता परमेश्वर जैसे ये शुद्ध जल पिएंगे पियो यीशु के नाम से ये भीतरी भागों में शुद्ध होने पाए सारी मलिनता सारे श्राप टूट कर निकलने पाए यीशु के नाम। और आज पिता तू जैसे नहीं कह रहा है ये शुद्ध है उसे कोई अशुद्ध न करे तो कलीसिया कहे ये सभी अनीता प्रियंका रजनी प्रतिभा कुसुम फातिमा यीशु के नाम से ये शुद्ध है। धन्यवाद देते पिता आपके लहू तले लाते यीशु के नाम से पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते इन सारी दासियों को आपके हाथों में देते तू इनका कर्ता इनका परमेश्वर इनका ढाल इनका कवच इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र पिता है। इसलिए यीशु नासरी के नाम से पवित्र पिता आज प्रभु इनके ऊपर उतरा हुआ
अशुद्धता का, मलिनता का, मृत्यु का, जो इन्हें श्रापित करके रखा है, इनके शरीर प्राण आत्मा का वो अधिकार तोड़कर आज इस शुद्ध जल से प्रभु मैं इन्हें डिक्लेयर करती कि ये शुद्ध है। तो रूपा यीशु के नाम से शुद्ध है, मेघा यीशु के नाम से शुद्ध है, पवित्र पिता सुशीला यीशु के नाम से शुद्ध है, अलका यीशु के नाम से शुद्ध है, गीता यीशु के नाम से शुद्ध है, कल्पना यीशु के नाम से शुद्ध है, पवित्र पिता प्रभु माया यीशु के नाम से शुद्ध है, पवित्र पिता रजनी यीशु के नाम से शुद्ध है। यीशु के नाम से शुद्ध जल जैसे इन पर छिड़का, इनके शरीर प्राण आत्मा को व्याकुल बीमार दुखी कराने वाली, इन्हें शैतानी जालों में बांध कर रखने वाली अशुद्ध आत्मा के बंधन तोड़ देते और इनके अंदर से निकल जाने की आज्ञा देते। आप तुम इनमें रह नहीं सकते, इसलिए जैसे बाहरी तौर से इन्हें शुद्ध किया है तो आत्मिक जल के द्वारा पवित्र पिता ये शुद्ध होने पाए। जैसे इन्हें शुद्ध जल दिया जा रहा है तो पवित्र सेनाधीश परमेश्वर ये भीतर से शुद्ध होने के लिए तुम मदद करना चाहो। पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर हम आपका सर्व सामर्थ्य लघु इसमें डालना है, आओ शुद्ध जल पिए। जैसे इन्होंने शुद्ध जल पिया है इनके अंदर से शरीर प्राण आत्मा को मुक्त होती कराते हैं और इन्हें डिक्लेयर करते हैं कि ये शुद्ध है। अब इनको शरीर को प्राण को आत्मा को कोई बंधन नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये बीमार रहे और हॉस्पिटल में जाए, दुखी रहकर उदास रहे, ऐसा भी इन पर कोई बंधन नहीं, ये छुड़ाए गए हैं। इसलिए यीशु नासरी के नाम से प्रभु तूने इन्हें शुद्ध बोला है, इसलिए कोई अशुद्ध नहीं होगा। इसलिए कलीसिया कहे ये सभी शुद्ध है, रूपा शुद्ध है, सुशीला शुद्ध है, अलका शुद्ध है, कल्पना शुद्ध है, माया शुद्ध है, गीता शुद्ध है, मेघा शुद्ध है, रजनी शुद्ध है, यीशु नासरी के नाम से ये शुद्ध है। तो प्रभु यीशु के नाम से डिक्लेयर करते ये शुद्ध है। सर धन्यवाद देते पिता प्रभु, इस कलीसिया को भी हम शुद्ध करते, इस कलीसिया को पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध करते। प्रभु यीशु के नाम से कलीसिया के दास को भी प्रभु शुद्ध करते। यीशु नासरी के नाम से प्रभु कलीसिया में जो लोग नहीं आए, जो अपने अपने घरों में हैं, उनके ऊपर यीशु का लहू छिड़कते प्रभु, यीशु का लहू छिड़क कर पवित्र पिता उन्हें भी हम शुद्ध डिक्लेयर करते। वो जहाँ कहीं भी अपने घरों में है वो शुद्ध है डिक्लेयर करते। पवित्र पिता ये लहू दारू पीने वाले लोगों के ऊपर डालते हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो जहाँ कहीं भी वो शुद्ध है। यीशु के नाम से जो व्यभिचार में जकड़े हुए हैं प्रभु, पापों में फंसे हुए, उन सब के ऊपर डाल देते हैं और वो जहाँ कहीं भी वो शुद्ध है प्रभु डिक्लेयर करते। सारी अशुद्धता सारी मलिनता को दूर कर देते, उनके आत्मा को छुड़ाते। मैं तेरा दास होने के नाते उनके शरीर प्राण आत्मा को छुड़ाती हूँ। उनके शरीर प्राण आत्मा को जो बीमारी लगी है वो बीमारी से मैं उनको मुक्त कर देती हूँ। व्यसन की बीमारी से, पाप की बीमारी से, अन्य नाना प्रकार की बीमारी से जो ग्रसित है उनसे मैं मुक्त करती हूँ और उन्हें जहाँ कहीं भी छुटकारा घोषित करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ, आपका लहु लगा देती हूँ यीशु के नाम से। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता परमेश्वर के नाम से प्रभु, आए हुए इस छठे दिन के दिन में मैं तेरा दास होने के नाते इन सबको तेरे छेदे हुए हाथों में देती हूँ। तू इन्हें मसीह का सुंदर सा रूप आज से बनाना, जैसे तूने इन्हें कोढ़ से शुद्ध किया, वो कोढ़ी चंगा हो गया, उसको अच्छा स्वरूप आया, वैसे ही प्रभु ये भी शुद्ध होने देना, उनको अच्छा मसीह का स्वरूप आने के लिए मदद करना, आज से मसीह इनके द्वारा दिखने के लिए मदद करना। ये मेरी विनती मेरी प्रार्थना यीशु का लहू लगा कर ये आशीषित करो यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।